हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है हमारे भगवद हरे कृष्णा प्रभु गीता की सिंप्लीफाइड धन। सेशन में। हरी बोल, वेलकम हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। एवरीवन। हरे कृष्ण। तो मेरे को थोड़ा सेटअप करने में थोड़ा समय लग गया। तो वी विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। मंगलाचरण करते हैं फिर शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शॉर्ट मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानते मिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ऑलमोस्ट 1.5 हफ्ते बाद हम लोग मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत डाउन थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। और फिर वेडनेसडे को हमारा एक प्रोग्राम था बोकारो और झारखंड, झारखंड प्रोग्राम। तो श्री चैतन्य महापू के चरण पहाड़ी हम लोग गए थे, जहाँ पर चैतन्य महापू के चरण चिन्ह है और असंख्य जानवरों के, जंतु जानवरों के भी चरण चिन्ह है, जहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महापू ने सबको कीर्तन करवाया, नृत्य करवाया। तो सबके वहाँ पे शेर के, वहाँ पे हिरणों के, वहाँ पे हाथी के, सांपों के भी चिन्ह है। सांप जहाँ जहाँ से गए हैं वो भी वहाँ पर चिन्ह है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महापू ने सबको प्रेम नृत्य में नचवा दिया, हरे कृष्ण महामंत्र के नृत्य में नचवा दिया। ऐसा स्थान जो कि झारखंड में अभी भी है, भगवान ने कलयुग वासियों के लिए अपना एक प्रूफ छोड़कर दिया है कि चलो आगे चल के इतने सारे लोग आएंगे और क्वेश्चन करेंगे कि चैतन्य महापुरुष सच में भगवान थे या नहीं थे। जैसे अर्जुन हम लोगों के लिए इस अध्याय में विश्व रूप का प्राकट्य करवा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उसी तरह से श्री चैतन्य महापुरुष भी अपने चरण चिन्हों को शिला के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, जो पत्थर भी पिघल गए भगवान श्री चैतन्य महापू के कृष्ण प्रेम को फील करने के बाद। और वहां तक श्री चैतन्य महापू के चरण चिन्ह तो है ही, जिन जंतुओं को, जिन जानवरों को श्री चैतन्य महापू ने कृष्ण प्रेम दिया वो भी पिघल गए। ऐसे कोई मतलब ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। एनीवेज, झारखंड में एक स्थान है, तो हमारे राजेश प्रभु का घर एकदम बाजू में है, भुवनेश्वर प्रभु, राजेश प्रभु एकदम विदिन 5-6 किलोमीटर्स उनका घर है। तो हम लोग वहाँ गए थे और आशा करते हैं फ्यूचर में आप लोगों को भी कभी लेकर जा पाए। हरे कृष्णा हरी बोल। ठीक है, तो यात्रा जरूर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा सेशन भगवद गीता। तो बेसिकली अभी तक हमारा ये 11वें अध्याय में क्या क्या हो चुका है। मेरी आवाज आज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस प्रभु। ओके, यस प्रभु। हरे कृष्णा। तो RUPA, तो पहले कुछ श्लोकों में इस अध्याय में अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि कृपया करके आप अपने विराट रूप को दर्शाइए, क्योंकि 10वें अध्याय में आपने अपने विभूतियों का वर्णन किया है, तो मैं वो देखना चाहता हूँ कि इस जगत में किस प्रकार से आपने वो विभूतियां इस संसार में मतलब आप किस रूप से छाए हुए हैं उस विभूतियों के द्वारा, तो कृपया आप मुझे उस रूप का दर्शन कराइए अगर मैं फिट हूं। तो वो रिक्वेस्ट भी ऐसा है कि डिमांडिंग रिक्वेस्ट नहीं है, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण 4 श्लोकों में बताते हैं, 5, 6, 7, 8, अर्जुन मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ, जरूर दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। तो जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसमें तुम्हें क्या क्या दर्शन करने करने को मिलेगा, तो उसमें आदित्य हैं, वसु हैं, भिन्न भिन्न देवताओं के दर्शन तुमको करने को मिलेंगे। तो सब सारे रूपों का वर्णन करते हैं जिनका जिनका तुम्हें दर्शन करने को मिलेगा 5, 6, 7 श्लोकों में। और 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं इसके लिए तुम्हें एक मुझे डिवाइन आईज या दिव्य चक्षु देने पड़ेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट सी मी। तो ये भगवान श्री कृष्ण उनको एक स्पेशल गॉगल्स, स्पेशल दृष्टि प्रदान करते हैं। उसके बाद पी जब मतलब अर्जुन प्रेयर्स, तो इस सेक्शन में श्लोक संख्या 9 से 14 संजय डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण विश्वरूप को दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अर्जुन देख रहे हैं, तो बचा कौन जो बताएगा हमें? तो बताने वाले सिर्फ संजय थे। तो संजय हमें बताते हैं कि किस प्रकार से इस रूप में अर्जुन को क्या क्या दिख रहा है। तो अर्जुन को जो भी दिखने लगा वो संजय को भी दिखने लगा और संजय बताने लगे।
और वहां पर एक उपमा वो प्रदर्शित करते हैं कि मानो सहस्र सूर्य एक साथ जब उदित हो जाए, जिस प्रकार की आभा या तेज वहां पर उत्पन्न होगा, उसी प्रकार की आभा या तेज मैं अभी देख पा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में। तो इस प्रकार से संजय डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। तो टिल 40 नंबर श्लोक, उसके बाद 15 से 19 अर्जुन अपनी अपने साक्षात्कार को या अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या क्या दिख रहे हैं। तो अर्जुन अब अपनी तरफ से, अर्जुन का नैरेटिव अभी संजय बता रहे हैं। तो 15 से 19 नंबर श्लोक में, तो हम लोगों ने 19 तक पिछले क्लास में ले लिया था, फिर भी आज हम लोग फिर से 19 से लेंगे क्योंकि 19 से ओवरलैपिंग श्लोक। तो 19 से फिर 15 से 19 में अर्जुन बताते हैं कि मुझे क्या क्या दिख रहा है इसमें, और अनुभूतियां ऐसी अनुभूतियां कि उनको विस्मय, परम विस्मय में आ जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एस्टोनिशमेंट। तो ये 15 से 19 तक होता है, और आज का जो सेक्शन है 19 के बाद, तो आज हम देखेंगे कि 19 के बाद अर्जुन फिर आगे चल के और क्या बता रहे हैं। साथ ही साथ इस विश्व रूप में वो एक और रूप को देखते हैं जिसका नाम है काल रूप। तो विश्व रूप तो था ही, लेकिन इसमें काल का भी रूप, महाकाल या काल का भी रूप वो देख पाते हैं। तो टिल नाउ दिस सेक्शन हम लोगों ने अभी तक समराइज किया, ये चीज़ें हो चुकी हैं। फर्स्ट 11.4 अर्जुन का रिक्वेस्ट, 5-14 कृष्ण और संजय डिस्क्राइब करते हैं, 15-45 अर्जुन की फीलिंग्स। तो 15-19 में अर्जुन की फीलिंग्स हैं, 19-25 में और ज़्यादा डर जाते हैं वो, पहले अमेजमेंट में, अब विस्मय होते हैं, विस्मित होते हैं, उसके बाद फिर भयभीत होते हैं। तो आज वाला श्लोक भयभीत वाला श्लोक है जो अर्जुन और भयभीत होने वाले, और उसके बाद फिर 46-55 ये सब हमें किस ओर लेके जाता है, हमें शुद्ध भक्ति की ओर लेके जाता है। तो अगर भगवान के दर्शन करने हैं, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और इनफैक्ट भगवान का जो द्विभुज रूप है वो विश्व रूप से भी विरले है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दिस इज द सेम थिंग, 9-14 हम लोगों ने देखा, तो फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। तो सारी चीजें, पूरी जगत की चीजें एक ही स्थान पर बैठकर आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको विराट रूप के दर्शन भाग्य से करने को मिले तो वहां पर आप क्या देख पाएंगे, पूरे विश्व को एक ही जगह पर बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। उसमें अर्जुन को क्या क्या दिखा, अनंत मुख दिखे, अनंत आंखें दिखे, अनंत हाथ दिखे, अनंत आयुध दिखे, और अनंत दिव्य गार्लेंड्स या मालाएं देखी, अनंत अनंत वस्त्र भी दिखे, अनंत आभूषण, और दिव्य दिव्य क्या सेंट या फिर महक ये भी दिख, सूंघने को भी मिल रही थी। तो इट वाज अ 3D एक्सपीरियंस अलोंग विद फुल सेंसुअस एक्सपीरियंस, सेंसुअल एक्सपीरियंस, जिसमें उनको सिर्फ दिख नहीं रहा था बल्कि फील भी हो रहा था और सूंघने को भी मिल रहा था, बहुत ब्रिलियंट या फिर दिव्य गंध भी उनको वहां पर फीलिंग्स, ही वॉज एबल टू फील दैट, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्हें ये भाव दिख रहा है। ओके नेक्स्ट, तो एफलजेंस के बारे में हम लोगों ने बताया कि हजारों सूर्य, संजय ने भी कहा, अर्जुन भी कह रहे हैं कि हजारों सूर्य एक साथ अगर उदित हो जाए, उसके बाद अर्जुन प्रणाम करते हैं और विमोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि मुझे करना क्या है। तो विस्मय या अद्भुत रस का यहाँ पर प्रकाशन या निरूपण हो रहा था अर्जुन के द्वारा, रोंगटे खड़े हो गए हैं और प्रार्थना करने के लिए तत्पर हो गए कि भगवान श्री कृष्ण ये मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा रूप मैंने आपका कभी नहीं देखा, हु आर यू, आगे चल के ये पूछने वाले हैं कि आप कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, ये रूप तो मैंने कभी नहीं देखा, आप सच में कृष्ण हो या कोई और हो। तो ये भाव अभी आने वाला है कुछ श्लोकों में। तो अभी आज का जो सेक्शन है 15वें नंबर श्लोक से शुरू होता है, सॉरी 19वें नंबर से शुरू होता है। तो 10वें से 19वें नंबर श्लोक तक या इन 10 श्लोकों में भगवान के विश्व रूप का वर्णन आता है। अब 20 नंबर श्लोक से जो रूप आता है वो है काल रूप। ये और भी ज्यादा भयावह रूप है और इसमें और भी ज्यादा ऊष्मा है, मुख से अग्नि निकल रही है और सारे के सारे योद्धाओं को उनके मुख में प्रवेश करते हुए देख पा रहे हैं अर्जुन। तो ये बहुत ही भयावह रूप है और पूरे विश्व का की जो एक प्रकार से को निगलने वाला रूप है, विश्व रूप का ही एक और एक्सपेंशन है काल रूप। तो दोनों में अंतर है, थोड़ा अंतर है। विश्व रूप में अनंत बाहु अनंत हाथ दिख रहे थे, लेकिन यही रूप आगे चल के और थोड़ा ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है और इसी रूप में उनको
फिर मुख से अग्नि भी दिखने लगती है, जो अब आज के श्लोकों में आएगा, और सारे योद्धाओं को भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए देखते हैं भगवान अर्जुन। तो ये सब आज के श्लोकों में दर्शन होगा। तो 19 से 25वें श्लोक में हम क्या देखेंगे, अर्जुनास डिस्क्रिप्शन ऑफ काल रूप द फॉर्म ऑफ टाइम, ठीक है। और 26 से 30वें में क्या देखेंगे, अर्जुन को फ्यूचर भी दिखेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत कैसे की थी, इस रूप की शुरू में ही उन्होंने कहा था कि अर्जुन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो तुम देखना चाहते हो सब दिखेगा तुम्हें इसमें। तो चूंकि इसमें तीनों काल दर्शन किए जा सकते हैं, इसलिए फ्यूचर ऑफ द वॉर ही विल सी, और उसमें उनको क्या क्या दिखने वाला है, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब उसी काल रूप में उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये तीन ही सबसे ड्रेडफुल या सबसे भयानक योद्धा थे, सबसे भयंकर योद्धा थे, और इन तीनों को जब काल रूप में प्रवेश करते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा करने के लिए ही इस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली पांडवास विल बी विक्टोरियस। तो ये उनके अंदर ये भाव है, ठीक है। तो यहाँ ओके नेक्स्ट, यहां से आज हमारा श्लोक होगा। चलिए सबको अनम्यूट कर लीजिए। फिर से हम लोग 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन 19 से ही एक और सेक्शन शुरू होता है, इसलिए 19 फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनादिम अध्यात्मम अनंत वीर्यम, अनादि अध्यात्म अनंतम वीर्यम, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनादि मध्यांतम अनंतम वीर्यम, मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम, मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्वत्रम, पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्वत्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, स्वतेज विश्वमिदं तपन्तम्। कोई पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? यस प्रभु। यस पढ़िए। पढ़िए प्रभु। आप यदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हैं और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। आगे भी पढ़ूं? हाँ पूर्व तात्पर्य भगवान के षड ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर, तथा अन्य यंत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्विक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने पर भी परम आहाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। यह कोई दोष नहीं। ओके, अनादिम अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम। तो अनादि भगवान का ये जो रूप देख रहे हैं अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है, देयर इज नो बिगिनिंग, इसका कोई मध्य नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। इतना ह्यूज स्वरूप था ये, इतना विराट स्वरूप था, इसका कोई ना आदि है ना मध्य अंत है, इसका कोई बिगिनिंग ही नहीं देख पा रहे हैं, ना मिडल है ना एंड है, बताओ। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज देखने के लिए है, भगवान के जितने भी रूप हैं सबका कोई ना कोई धाम है। जैसे राम जी के धाम का नाम क्या है? साकेत धाम या अयोध्या धाम, ठीक है। ओके, ये चित आकाश में उपस्थित है, इस जगत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भगवान के चित आकाश में। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें, रामचंद्र हो गया, विष्णु के धाम को क्या कहते हैं? वैकुंठ लोक, वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण के धाम को क्या कहते हैं? गोलोक। ओके, तो भगवान के इतने सारे रूप हैं, सबका अपना अपना वैकुंठ धाम है या फिर गोलोक या साकेत धाम है। अच्छा, तो ये बताइए भगवान के विश्व रूप का कौन सा धाम है? टेम्पररी था प्रभु, कोई धाम उनका कोई धाम नहीं। टेम्पररी एड्रेस है, लोकल एड्रेस है इनका, ठीक है, इनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है।
ये सिर्फ इसी धाम में ही या इसी इसी लोक में, जो कि मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड का स्वरूप है। तो सोचिए अगर मटेरियल वर्ल्ड का स्वरूप भगवान का इतना ह्यूज है, जिसमें सोचिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य और चंद्रमा, कभी कभार डिस्क्रिप्शन जब भी आता है तो स्वतेजा विश्वम विश्वम इदम तपंतम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। शशि और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, सूर्य कितने बड़े हैं, उनकी उनकी साइज को ही अगर देखा जाए तो हजारों हजारों किलोमीटर इट्स साइज इज देयर। तो सूर्य इतना बड़ा सूर्य जिसके केंद्र में पूरा पूरा ब्रह्मांड है, या फिर एक तरह से अगर देखा जाए कि सब कुछ उन्हीं पे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा इकोसिस्टम सब कुछ, एटलीस्ट सोलर सिस्टम में जितना भी सब कुछ है, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंडेंट है। सूर्य इज द पेरेंट प्लैनेट या पेरेंट स्टार। तो वो भगवान की अगर आंख है, चंद्रमा अगर भगवान की अगर आंख है, तो भगवान का स्वरूप कितना बड़ा होगा। तो कभी कभार ह्यूजनेस को दिखाने के लिए हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है कि चलो भाई आंख इतनी बड़ी है तो शरीर कितना बड़ा होगा, ठीक है। और इनफैक्ट अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद में विराट पुरुष के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है कि किस प्रकार से योगी अपने ध्यान में विराट पुरुष को देख पाते हैं। तो वो तो वर्चुअली सारे प्लैनेट्स को भी भगवान के अंगों की तरह, भगवान की नाभि, भगवान की भगवान की छाती, चलो जो जो तपलोक है, जो सत्यलोक है, वो भगवान श्री विष्णु या विराट पुरुष का क्या है, मस्तक है, और पाताल लोक भगवान के चरण है। इस प्रकार से वर्चुअली विजुअलाइज करते हैं। तो शशि और सूर्य आंखों को रिप्रेजेंट करता है, इतनी ह्यूज आंखें, तो जिसके द्वारा हम पूरा जगत देख पा रहे हैं, भगवान भी इस जगत को उन्हीं के द्वारा ही देख रहे हैं। किनके द्वारा? शशि और सूर्य, रात्रि के समय शशि, दिन के समय सूर्य। और अनंत बाहुम, इससे पहले भी अनेक बाहुम शब्द आया था, अनेक वक्त्रम, अनेक बाहुम, इस बार अनंत बाहुम। तो अनेक का मतलब तो चलो फिर भी कोई काउंट कर सकता है, ऑफकोर्स अनेक को भी काउंट करना मुश्किल था, यहाँ पर अनंत तो डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि फिर से अनंत शब्द आया। अनंत का मतलब समझना और भी मुश्किल है, अनकाउंटेबल, अनंत मतलब अनकाउंटेबल, इतना अनलिमिटेड पावर या अनलिमिटेड शक्ति है उनके पास, ये देख नहीं पा रहे। और साथ ही साथ ऐसी तेज ऐसा तेज है यहाँ पर, स्व तेजसा विश्वम इदम तपंतम, इतना बड़ा तेज है। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई तेज प्रस्तुत किया जाए, तो तेज दो प्रकार के होते हैं। तेज मतलब एक सूथिंग लाइट होती है और एक बर्निंग लाइट होती है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक ठंडक प्रदान करने वाली उष्मा होती है या रोशनी होती है, और दूसरी एक गर्मी प्रदान करने वाली रोशनी होती है। बता सकते हैं कौन से, उदाहरण दीजिए। चंद्रमा चंद्रमा की रोशनी, हाँ, सूर्य और चंद्र। और किचु अपने घर में कोई ऐसी लाइट देखा, हैलोजन लाइट एंड एलईडी लाइट, यस, या हैलोजन लाइट या एलईडी या बल्ब या ट्यूब, सॉरी ट्यूब लाइट और बल्ब लाइट, ठीक है, तो दोनों, हाँ, लाइट सूर्य, ठीक बोलती तो, हाँ, प्रदीप सूदिंग को, हाँ, तो सूदिंग एंड स्कॉर्चिंग दोनों, हाँ, हरे कृष्ण। तो एनीवेज मेरा पर्पस यहाँ पर यह है बोलने का कि दो प्रकार की लाइट है, एक है इनकैंडेसेंट लाइट, जिसमें ज्योति जरूर है लेकिन ऊष्मा नहीं है, दूसरी ओर है ज्योति और ऊष्मा दोनों एक साथ अगर आ रही है, जैसे अगर कभी आप बल्ब पे हाथ लगाते हैं तो हाथ नहीं लगा सकते, उसकी उसका शीशा ही इतना, उसका जो कांच है इतना गर्म हो जाता है कि आप हाथ नहीं लगा सकते। तो फिलामेंट के का टेम्परेचर सोचिए, 2-3 हजार डिग्री टेम्परेचर रहता है उसका, जो बल्ब का फिलामेंट है, तो उसको छूना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर अभी तक जो डिस्क्रिप्शन आया है और आगे भी कुछ सेक्शन में जो अर्जुन बताने वाले हैं, तो अभी तक जो बताया है कि मैं सिर्फ ऊष्मा को सिर्फ मैं ज्योति को देख पा रहा हूँ, ऐसी ज्योति ऐसी रोशनी है कि मानो सहस्र सूर्य एक साथ उदित हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा ना 13-14 के बीच में वो श्लोक आया था कि सहस्र सूर्य एक साथ मानो एक साथ है, लेकिन अब हीट एस्पेक्ट भी ऐड हुआ है, हीट एस्पेक्ट, इतनी गर्मी भी है कि दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त मतलब क्या, जल रहा है, हुताश और क्या जल रहा है, आपका आपके मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, हुत आश मतलब मुख से, हुत आश
वक्त्रम, हाँ, आपके मुख से निकलती अग्नि को हुताश वक्त्रम। कहां से? मुख से अग्नि निकल रही है। अभी तक अग्नि का डिस्क्रिप्शन नहीं आया था, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसीलिए 19 नंबर श्लोक तक, 10 से 19 नंबर श्लोक तक विराट रूप का वर्णन है, और 19 के बाद वाला जो श्लोक शुरू होता है ये काल रूप का वर्णन आता है, जिसमें भगवान अपने काल शक्ति के द्वारा इस जगत को किस प्रकार से निगल लेते हैं वो प्रकाशित यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज जो देखने वाली है कि बार बार इन कुछ से श्लोकों में क्या आ रहा है, रिपीटेशन आ रहा है, रिपीटेशन। तो श्री प्रभुपाद जी भी इसी चीज को हमें बता रहे हैं कि कहा जाता है कि कोई अगर मोहग्रस्त हो या परम आलात के समय हो या आश्चर्य हो, आश्चर्यचकित हो जाए, तो कथनों की पुनरुक्ति होती हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। तो कभी कभार देखिए, जैसे मैं कुछ दिनों अभी मैं कभी कभार नया सेशन देना होता है, नया बैच शुरू करना होता है, तो अभी हम लोग सोचते हैं भाई पहले फिर से कौन मेहनत करेगा, पुराना जो नोट्स है वही निकाल के क्लास दे देते हैं, राइट, या फिर पुराना लेक्चर सुन लेते हैं, भाई हाँ इससे पहले क्या लेक्चर दिया था। तो मैं खुद का लेक्चर सुन रहा था कि 3 साल पहले क्या लेक्चर दिया था, भाई सुन लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले रिसर्च कर लिया हूँ, फिर से रिसर्च करने की कोई मतलब नहीं, वो सुन के डाउनलोड कर दो, सबको बता दो कुछ नया चीज ऐड कर लेंगे, लेकिन अपना ही लेक्चर सुनना ये इतना ही टॉर्चरस काम है। तो मैं सुनना शुरू किया, तो मैं देख रहा हूँ इतना बार एक ही चीज कितने बार रिपीट करता हूँ मैं एक शब्द को 10 बार रिपीटेशन किया जा रहा है। तो जब एक शब्द बार बार आता है तो ऑडियंस बोर होने लगती है, या फिर सोचते हैं क्या है भाई, बार बार एक ही चीज की बोल रहे हैं, बार बार एक ही चीज की बोल रहे हैं। तो ऑफकोर्स वी आर ऑलवेज एडवांसिंग और वी आर ऑलवेज अपग्रेडिंग आवर सेल्फ, क्योंकि जब कोई वक्ता होते हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू भी करते हैं तो ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि पहले गलतियां करते हैं और फिर सीखते हैं। और कभी कभार नर्वसनेस में, क्योंकि नया नया बैच शुरू किया था तब तो नर्वसनेस भी होता था, हरे बार क्या सही बोल रहा हूँ, तो एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ, खुद भी पता नहीं कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे भी समझ में आ रहा था कि हो रहा है गलती, हो रही है गलती। ठीक है, कभी कभार कोई नए व्यक्ति है माइक पकड़ रहे हैं तो फंबल करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि कभी कोई अगर आश्चर्यचकित हो जाए, मोहग्रस्त हो जाता है, या फिर कोई ऐसा चीज देख लिया, मस्त चीज देख लिया, बस अरे क्या बताऊं यार, क्या था, क्या लाजवाब, क्या लाजवाब, क्या देखा मैंने, क्या 3D शो था यार, क्या मस्त मूवी था, क्या एकदम साउंड इफेक्ट था, क्या VFX था, क्या बताऊं। तो एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसके दोस्त लोग जो हैं वो बोलेंगे यार क्या यार एक ही चीज बार बार रिपीट करेंगे कर रहा है। कभी बोलेंगे क्या दोस्त, अरे तू मूवी देख के आया, ठीक है, तो बार बार एक ही चीज क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्त लोग क्या करेंगे, दोस्त लोग समझ जाएंगे कि नहीं बताइए, हाँ मतलब वो इतना स्पेल बाउंड हो गया, इतना खुश हो गया, इतना मस्त लगा है उसको, बार बार रिपीट कर रहा है, प्रभावित होंगे दोस्त, और फिर सोचेंगे चलो हम भी जाके देख के आते हैं, ऐसी अच्छी मूवी है तो चलो देख के आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पुनरुक्ति हो रही है। तो संस्कृत शास्त्रों में या कोई भी शास्त्र में अगर पुनरुक्ति होती है तो ये एक प्रकार का दोष है कि एक चीज बार बार क्यों बोलना, भाई ऑडियंस इंटेलिजेंट है, समझ जाएगी। लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति में है तब ये पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है, क्योंकि बार बार बोलना मतलब इट रिप्रेजेंट्स एम्फेसिस, बार बार बोला जा रहा है मतलब एम्फेसिस। कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। ठीक है, महाप्रभु भी इस तरह से पुनरुक्ति करते हैं कि नहीं, ये पुनरुक्ति क्यों कर रहे हैं, पुनरुक्ति का मतलब ये है कि इसमें कोई दोष नहीं है, इट इज कम्प्लीटली परफेक्ट फाइन। जब कोई स्ट्रेस देने वाली बात है तो बार बार बोलना पड़ता है। दूसरी चीज, यहाँ पर मुख से अग्नि भी निकल रही है, तो कभी किसी के मुख से अग्नि निकलते हुए देखा है, कहीं देखा है आप लोगों ने मुख से अग्नि निकलते हुए, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? हरे कृष्ण प्रभु, हमारा छोटा वाला है सार्का से, है ওই আগুনে যখন রিং মাস্টার ওই মুখে একটা লম্বা একটা পাইপ নিয়ে কেরোসিন নিয়ে ফু দিত আর হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ প্রভু। ঠিক আছে, তো মুখ मुख से अग्नि निकलते हुए देखा है यहाँ, लेकिन यहाँ पर मुख से अग्नि खा भी रहे हैं कभी कभार भगवान, यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन आया है। और कोई कुछ बोलना चाह रहे थे? आशका माता जी, यू आर टेलिंग समथिंग? नहीं प्रभु, कोई तो बोल रहे थे पीछे से। तो स्व तेजसा विश्वम इदम तपप्तम दीप्त हुताश वक्त्रम, आपके मुख से
अग्नि निकल रही है, ठीक है। तो जनरली हम लोग ये सब चीज कहाँ पे देखे हैं, या तो सर्कस में देखा है हम लोगों ने, या मैजिशियंस को देखा है हम लोगों ने कि कभी कभार वो लोग मुख से अग्नि निकालते हैं, या फिर हमने देखा है कि कभी ड्रैगन के मुख से अग्नि निकल रही है, या फिर श्रीमद् भागवतम के पन्नों में अगर आप लोग बारवा स्कंद निकालेंगे कहीं आता है किसी के मुख से अग्नि निकल रही है? प्रभु हरे कृष्ण प्रभु शियालेर मुख दिए माझे माझे आगुन बेरोय। हाँ, शियालेर मुख दिए आगुन बेरोय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में, प्रथम स्कंद में यह डिस्क्रिप्शन आता है कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज कलयुग के साइंस एंड सिम्टम्स जब देख रहे थे तो सियाल भी मुख से अग्नि निकाल रहा है, ठीक है। थैंक यू। तो ऑफकोर्स सियाल मुख से अग्नि नहीं निकालता है। हम लोगों ने मोजिला फायरफॉक्स सिर्फ नाम सुना था, फायरफॉक्स मतलब मुख से अग्नि निकल रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजिन होता है ना फायरफॉक्स, बट युधिष्ठिर महाराज को ऐसा पर्सनली दिख रहा था जब कलयुग प्रवेश कर रहा था, तब वो ऐसे एनोमलीज देख रहे थे कलयुग में, या फिर ड्रैगन को देखते हैं हम लोग, या फिर कब देखा था 12वें स्कंद में फोटो आता है तक्षक मुख से अग्नि निकालते हैं और परीक्षित महाराज को अपनी आग की लपटों में निगल लेते हैं, ठीक है, जब डसते हैं अपने विष के द्वारा। तो कुछ जो सर्प हैं उनके विष में इतनी ऊष्मा होती है कि वो अग्नि का रूप ले लेती है, इतना वो हीट अप करता है, इतना विष है उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो देख रहे हैं हम, ये भी मुख से अग्नि निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग भगवान श्री विष्णु इतना, देखिए विष्णु इतना सौम्य रूप रखते हैं, लेकिन यहाँ पे सौम्य रूप नहीं है, यहाँ पे उग्र रूप है। तो कोई भी देखकर विचलित हो जाएगा, ये कोई सामान्य सी चीज है कि अगर कोई ऐसा रूप देखे तो कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाएगा। तो अर्जुन तो क्यों नहीं होगा, अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण को कब से देख रहा है, बचपन से, ऑफकोर्स अपनी युवा अवस्था से अर्जुन देख रहे हैं। तो वो अगर अपने ही दोस्त को ऐसी स्थिति में देखेगे तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं तब हमारा और क्लियर होगा, ठीक है। तो दिस इज श्लोक संख्या 20। द्यावा पृथिव्यो इदम् अंतरम हि, द्यावा पृथिव्यो इदम् अंतरम हि, व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा, व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा, कृतं रूपम् उग्रं तवेदम्, लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्, कौन पढ़ेंगे इसके? यस, हरे कृष्ण, कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस, हरे कृष्ण। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेक बीच एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में द्वाव भाव पृथ्वयो, पृथ्वी तथा आकाश के बीच का स्थान, या लोक त्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अंजू माता जी। तो इस श्लोक में द्याव आ पृथ्वी, यानी कि धरती तथा आकाश के बीच का स्थान। तो देखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एक तो है सेलेस्टियल, यानी कि देवताओं का। तो द हायर थिंग इज सेलेस्टियल। हम जिस प्लेटफॉर्म में है दैट इज टेरेस्ट्रियल, एंड यानी कि इस भूमि में, इस भूमि पर जो भी हैं हम लोग, जो भी जीव हैं धरातल पर, उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल। और धरातल के अंदर जो असुर गण हैं, जो नाग गण हैं, दे आर सब टेरेस्ट्रियल, यानी कि पाताल लोकों में जो है। तो देर इज अ सेलेस्टियल रियालिटी, देर इज अ टेरेस्ट्रियल रियालिटी, एंड देर इज अ सब टेरेस्ट्रियल रियालिटी, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन में या तीनों जगहों पर वो क्या देख पा रहे हैं, आप सब जगह व्याप्त हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं एवरीवेयर। और यही चीज श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि आपके पैर क्या है, अतल वितल सुतल महातल असातल पाताल लोक है।
आपकी नाभि कौन सी धाम है? नाभि है भूमि, भूलोक। आपके छाती से लेकर आपके आपके मस्तक तक ये कौन से लोक हैं? भूवर, स्वर, देन महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सब ऊपर के लोक हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही सेम सिमिलर डिस्क्रिप्शन है। यदि आप यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं देख रहे थे बल्कि अर्जुन के साथ देवतागण भी देख रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देवतागण भी साक्षी हैं। तो कोई सोच सकते हैं कि यहाँ पर अर्जुन तो भाई अपने दोस्त को मस्का मार ही सकते हैं, क्यों दोस्त दोस्त है, उसको मस्का मार दिया, बोल दिया भगवद गीता में, बहुत लोग हैं आजकल, और आजकल तो कलयुग में और भी ज्यादा ऐसे लोग हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पे बहुत कुछ चलता है, यार ये सब बेकार है यार, सब बेकार। तो ऐसे लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ देने के लिए कि सिर्फ मैं नहीं देख पा रहा हूँ बल्कि और कौन देख रहे हैं? ऊपर के लोग भी देख रहे हैं, नीचे के लोग भी देख रहे हैं, और धरातल के वाले लोग भी देख रहे हैं, खास करके जो सेलेस्टियल बींग्स हैं जिनके पास स्वाभाविक से ज्यादा शक्ति है वो लोग देख पा रहे हैं। लेकिन बाद बाकी लोग अगर देखा जाए, खास करके जो युद्ध भूमि में थे वो नहीं देख पा रहे थे, संजय जरूर देख पा रहे थे और देवतागण देख पा रहे थे। सब कोई आपको देख रहे हैं किस प्रकार से? इन एस्टोनिशमेंट, विस्मित रूप से आपको इस जगह से देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला है, व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्व, यू आर स्प्रेड थ्रू आउट द यूनिवर्स, आप हर जगह व्याप्त हो। तो यहाँ पर एक चीज जो है, देखिए कभी कभार हम लोग यहाँ पर शब्द यूज कर रहे हैं और अर्जुन ने भी यहाँ पर शब्द यूज किया है, रूपम उग्रम तवेदम। तो आपका जो रूप है ये उग्र रूप है। तो भगवान का रूप उग्र है क्या? कभी कभी आपने सुना है भगवान का रूप उग्र है? काल के रूप में उग्र है, काल के रूप में, जब वो काल का रूप नृसिंह रूप है उन्हीं उग्र, कारण हमला बोली उग्रम वीरम महाविष्णु। ये मैं आप लोगों से बुलवाना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था, उग्रम रूप किसका है? नरसिंह। ठीक है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस तेजसे, आविर आविर्भव वज्रख वज्रदंश्र कर्माशयान, रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस, ओम स्वाहा, अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा, ओम श्रौम। ओम नमो भगवते श्री महानरसिंहाय, दंश्र कराल वदनाय, घोर रूपाय, वज्रनखाय, ज्वालामालिने, मम विज्ञान पच पच, मम भयान भिंदि भिंदि, मम शत्रुन विद्रावे विद्रावे, मम सर्वाधिष्ठान प्रभंजय प्रभंजय, चत चत हन हन छिंदी छिंदी, मम सर्वाभिष्ठान पूरे पूरे, मम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। तो ये नरसिंह देव के कुछ मंत्र हैं। तो नरसिंह देव के मंत्रों में ही ये आता है कि उग्रम वीरम महाविष्णु, ज्वलंतम सर्वतोमुखम, नृसिंहम भीषणम भद्रम, मृत्योर मृत्योर नमाम्यहम। ये उग्र रूप जब हम देखते हैं, खास करके नरसिंह देव का जो रूप देखते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णु, तो उग्र रूप उनके स्तोत्रों में भी आता है उग्र रूप। तो उग्र रूप देख के भक्तों के अंदर क्या अनुभूति होती है और असुरों के रूप में क्या अनुभूति होती है, असुरों के हृदय में क्या अनुभूति होती है, बताइए, व्हाट डू यू थिंक, क्या फीलिंग्स आती है? भक्त क्या सोचते हैं और असुर क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? भक्त असुर 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 सोचते हैं, भय के रूप में देखते हैं, और भक्तों को भय नहीं, भक्तों को तो प्रेम प्रेम के, जैसे भक्त प्रहलाद को प्रेम के किसी भी रूप में जब देख रहे हैं तो प्रेम के रूप में देख रहे हैं भक्त, और लेकिन जो हिरण्यकश्यप था वो भय के रूप में वो देख रहा है, वो अपना काल देख रहा है। भक्तों की माने एखाने किभावे माने तार तो पिता তাকে কি করে শান্ত করবে এরকম চিন্তা করতে পারে যে এই উগ্র রূপ কিভাবে কমবে? বেসিক্যালি দেখুন যখন ভগবান, হ্যাঁ ইয়েস রিতা মধু, আমার যেটা মনে হচ্ছে কবু, সেটা হচ্ছে ধরুন আমাকে যে কোনো আমার কোনো বন্ধু যে আমার থেকে বেশি শক্তিশালী সে আমাকে মারতে যায় যখন চাইছে, তখন আমার বাবা যদি চলে আসে সে উগ্র রূপেই আসছে, কিন্তু আমার একটা অ্যাডভান্টেজ হলো যে এইবার তুই আমায় মারছিস আমি তো তোকে মারতে পারবো না, কিন্তু এবার যাক আমার বাবা তোকে মারবে, সেই উগ্রটা নিয়ে আসছে, তার জন্য আমার একটা কনফিডেন্স একটা আসবে, ভক্তদের একটা কনফিডেন্স আসবে উগ্র রূপ থেকে। যদি কোনো শত্রু, যাব কোনো শত্রু আকে আক্রমণ করে আর পিতা আপকে সাথ মে হো, মেরে বাপ মেরে পিছে আয় ওয়, जैसे अभी कभी देखा है अगर कभी गली में क्रिकेट खेलते खेलते अगर झमेला हो गया दोस्तों के बीच, ठीक है, और
ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अपने जीवन का एक्सपीरियंस है। एक बार एक्चुअली क्या है, कितने लोग बड़े भाई छोटे भाई हैं किसी के घर पे, ऐसा है बड़े भाई पहले बोलो, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्रिकेट मैच, कितनों के घर पे बड़े भाई छोटे भाई हैं? मैं ब्रो, तो बहुत अच्छा होता है, या फिर बड़ी दीदी छोटी दीदी है, तो जनरली दीदियों के साथ उतना ये सब भाव नहीं होता, ये सब भाइयों के बीच में होता है, ये भाव अलग लड़कों वाला भाव है, ठीक है, मैनली फीलिंग। तो अभी कभी अगर झमेले में अगर फंस गए आप दोस्त लोगों के साथ मारपीट करते करते, तो वी टेंड टू गैदर स्ट्रेंथ फ्रॉम आवर ब्रदर्स, एल्डर ब्रदर्स। देख मेरा भी बड़ा भाई है, तो मेरा भी एक ऐसा सिचुएशन था कि मैं एक बार दोस्त लोगों के साथ खेल रहा था, कुछ तो खेलते खेलते कुछ तो मारपीट हुआ, तो मैं भैया को जाके बोला, भैया मेरे को मार रहा है वो तो भैया मेरे को गुगली दे दिया, बोले बट तू जा भाग यहाँ से, तू फंसा है, तू जा यहाँ से निकल तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि भैया मुझे बचाने नहीं आएगा कभी, ठीक है, तो मैं पूरी तरह से डिटैच था कि चलो भैया तो मारपीट वो मेरे को बचाने नहीं आने वाला, अपना हिसाब किताब खुद ही देख लेंगे, ठीक है, जब भी मारने आया तो खुद ही मुक्का मुक्का मारना है, भैया ये कुछ हिसाब किताब नहीं करेगा। तो एक समय की बात है, मेरा भैया, मैं जब भुज में था गुजरात में, मेरे फादर पोस्टिंग थी आर्मी में, तो मेरा भैया एयरफोर्स वाले केंद्रीय विद्यालय में थे और मैं आर्मी वाले केंद्रीय विद्यालय में था, तो करीब बहुत मतलब करीब 10-15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा दोनों का स्कूल के बीच में। अब मेरा भैया स्कूल से बंक मारता था जो केवी वाले बच्चे हैं कभी कभार देखिएगा, जब पहले का जनरेशन, अभी पता नहीं, तो स्कूल से बंक मारना भी एक तरह से एक शेखी बखाना, मतलब अरे हम स्कूल से बंक मार के घूम रहे हैं, चलो मजा आ रहा है, ठीक है, तो वो भी एक बड़े तीर मारने वाली काम था। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपना स्कूल से बंक मार के, अभी ड्रेस तो यूनिफॉर्म तो सेम होता था, वाइट और ब्लू पैंट होती थी, तो अपना स्कूल से बंक मार के कैसे तो हमारे स्कूल में आ गया, ठीक है, और मुझे भी पता नहीं था कि वो हमारे स्कूल में आ गया। तो उस समय मैं प्ले ग्राउंड में खेल रहा था, तो खेलते खेलते किसी के साथ झमेला हुआ, दोस्त दोस्त के साथ पंगा हो ही जाता है बचपन में, तो बहुत होते हैं, तो किसी एक दोस्त के साथ पंगा हुआ, तो पंगा हुआ वो मेरे को मारने पीटने के लिए आ ही रहा था संभव, तो उस समय देखता हूँ कि पीछे से मेरा भैया आकर उसको हड़काने लगा, ओए क्या कर रहा है, मेरा भाई है, हाथ नहीं लगाएगा। तो मैं पीछे घूमता हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है तो उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि तू स्कूल बंक मार के क्यों आया, उस समय मेरे को अंदर में कॉन्फिडेंस आया, अरे भाई मेरा भैया पीछे है, तो यानी कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, राइट। तो ये जो फीलिंग है, जैसे अभी तमोंग रपू बता रहे थे कि हमारे अंदर ये जो भावना है, तो बेसिकली मेरे अंदर ये भावना और भी ज्यादा ग्रेटफुल वाली भावना क्यों हुई, क्योंकि मैंने कभी उसके साथ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कभी वो बचाने आएगा, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस नहीं था, जब मैंने मांगा हेल्प तो कभी उसने हेल्प नहीं दिया, लेकिन बिन मांगे जब उसने हेल्प किया तो आई वॉज मोर ग्रेटफुल और मोर हैप्पी सॉर्ट ऑफ। तो सिमिलरली जैसे अभी तमोंग रपू बता रहे थे, सिमिलरली ऐसा इंसिडेंट इनके साथ भी होता है। इंद्रद्युम्न महाराज, एक समय इंद्रद्युम्न महाराज आपने सुना होगा, परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज ट्रैवलिंग मॉन्क से काफी फेमस है इस्कॉन में, बहुत जगह किस किस देश में, कभी अफ्रीका में, कभी साउथ अमेरिका में, यूरोप में, प्रचार करते करते कहाँ कहाँ घूमते रहते थे। तो एक समय की बात है, वो अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में जिप्सीज के बीच में भिड़ गए। जिप्सीज मतलब समझते हैं आप, जिप्सी किसको कहते हैं हम लोग, जिप्सी मतलब वो गाड़ी को, जिप्सी गाड़ी को समझते हैं, आर्मी में एक जिप्सी गाड़ी होती है, ठीक है, वो नहीं है जिप्सी, ठीक है, जिप्सीज का मतलब होता है क्या बताइए, किसी को पता है? आदिवासी, ठीक है, ट्राइबल पीपल, ट्राइबल मतलब पूरा एकदम झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला, पुराना आपने मूवी देखा होगा, कोहिनूर डायमंड वाला मूवी देखा होगा, तो झिंगा लाला वाले लोग जो होते हैं वो लोग, उनका जो उनकी जो अभी हुआ ये था कि समहाउ उनके ही ग्रुप के एक डिवोटी ने कुछ मिसबिहेवियर किया था, तो जिप्सीज लोग भड़क गए थे, और उनके मन में मतलब क्या, अगर आए वो भड़क गए तो वो तीर की नोक पे विषैला कुछ केमिकल लेके आएंगे और पूरा एकदम मारने के लिए रेडी रहेंगे, कभी कभी आदमियों को भी मार के खा जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जिप्सीज के से भाग रहे थे, और दूसरी तरफ से एक और सिचुएशन थी कि बहुत सारे बाइकर्स वाले लोग भी, बहुत सारे शहर के आउटस्कर्ट में थे, तो बहुत सारे बाइक वाले लोगों ने भी घेर लिया था, समझ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई,
एक्चुअली ये हुआ था कि बाइक में, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बताया, कि बेसिकली कुछ बाइक वाले जो रोडीज होते हैं ना, जो ऐसे देखा हार्ले डेविडसन लेके आते हैं, एनफील्ड लेके आते हैं, और पूरा उनको घेर लिया, गुड़ उसके आसपास में एक्सेलेटर घुमा घुमा के महाराज को पूरा घेर लिया था। तो कुछ तो प्रॉब्लम थी, भक्तों को देख नहीं पा रहे थे वो लोग। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं और जोर जोर से नरसिंह आरती कर रहे हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लादायिनी। तो कुछ देर बाद ये जो लोग बाइक लेके खड़े थे, हॉकी वॉकी लेके खड़े थे, चेन लेके खड़े थे, मारने वाला एकदम, छोड़ेंगे ही नहीं आज, अचानक ऐसे 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 कर, चल यार निकल भाग यहाँ से, ठीक है, इमीडिएटली बाइक लेता है फुर करके निकल जाते हैं। तो अभी इनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या भाई, व्हाट हैपेंड, मुझे छोड़ के सब चले गए। तो मेरे ख्याल से मेरे पीछे नरसिंह देव आ गए क्या, क्या हो गया देखता हूँ। तो पीछे घूमते हैं, तो जैसे पीछे घूमते हैं वो देखते हैं कि दूसरी तरफ से ये जिप्सीज लोग उनको बचाने के लिए आए थे। तो आदिवासी लोग जो थे, समहाउ दे हैड सम गुड फीलिंग फॉर डिवोटीज। तो ये लोग मतलब जब महाराज नरसिंह आरती गा रहे हैं तो नरसिंह देव हेल्प भेजते हैं थ्रू दिस जिप्सीज, और वो फिर उनको देख के ये हार्ले डेविडसन वाले भाग जाते हैं, बोले ये इनसे कौन भिड़ेगा, ठीक है, हम चेन लेके खड़े हैं, उन लोगों के पास तो तीर कमान सब कुछ है, भागो यहाँ से निकलते हैं। तो ये उनके जीवन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से नरसिंह आरती गाते हैं और भगवान सच में बचाते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं नरसिंह देव को किस प्रकार से देखते हैं, भले ही उग्र रूप है लेकिन वो भक्तों के लिए किस प्रकार का रूप है, भक्तों को पता है कि भगवान मेरे को बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए भगवान ने इतना ऐसा रूप लिया है। भगवान वो रूप मुझे नहीं दिखाना चाहते, भगवान वो रूप असुरों के लिए दिखाना चाहते हैं, असुरों को प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो ये भावना है, इसीलिए भक्त लोग अपने पिताजी को किसी भी रूप में देखें, जैसे कोई एक बच्चा है, बच्चा अपने पिताजी को अगर सर्जेंट के रूप में देखे या फिर घर पे अपने नॉर्मल कैजुअल हाफ पैंट में देखे, कुर्ता बनियान हाफ पैंट में देखे, तो दोनों तरफ एक ही फीलिंग्स आने वाली है। लेकिन अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर रहा है और वो व्यक्ति सर्जेंट को देखता है तो वो बेचारा डर जाएगा। तो सिमिलर सिचुएशन इज विद डिवोटीज ऑल्सो। तो जब उग्र रूप, वहां पर वर्णन आता है कि उग्रम वीरम महाविष्णु, उग्र रूप हमारे लिए नहीं है बल्कि उग्र रूप तो ये दर्शाता है कि भगवान भक्तों के लिए उग्र रूप रहने के लिए भी रेडी है, भक्तों को बचाने के लिए। अरे उग्र रूप तो खाली फालतू फालतू थोड़े ना लिया था उन्होंने नरसिंह देव ने, लेकिन ये जो विराट रूप है, विराट रूप में भी ये जब उग्र रूप आ रहा है, रूपम उग्रम, यहाँ पे जो शब्द आया है रूपम उग्रम तवेदम, ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द आया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये रूप सच में उग्र था। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये भी है कि भगवान ये रूप अर्जुन को इसलिए भी दिखाना चाह रहे हैं कि इस रूप में जितने भी योद्धा हैं सब मेरे अंदर प्रवेशित हो रहे हैं, तो अर्जुन पांडवों को मैं बचाने वाला हूं। तो दिस इज अ प्रोटेक्शन ऑल्सो इन वन वे, कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि मैं भक्तों को बचाऊंगा और असुरों का मैं नाश करूंगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एक एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी है कि ये लोकत्रय नीचे से ऊपर पूरा छाया हुआ था और साथ ही साथ ऐसा उग्र रूप भी था, ठीक है। और प्रव्यथितम, ये शब्द बार बार आएगा कि सब कोई जो भी देख रहे थे इसको देख के भयभीत हो रहे हैं, देवर रियली वेरी मच भयभीत विचलित, वो लोग डर जा रहे हैं ऐसे रूप देखे, सबके साथ ये फीलिंग हो रही थी, अर्जुन नहीं देवता लोग भी डर रहे थे, ठीक है। ओके 21वां नंबर श्लोक, ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए। अमी ही त्वाम सुर संघाम विशंति, चित भीता प्रांजलयो गृणन्ति, इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा, कुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, ओके। तो यहाँ पर कौन पढ़ेंगे श्लोक? मैं करूँ प्रभु। यस यस। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और मैं आप में प्रवेश कर रहा हूँ, उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य,
समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच रानी माता। ओके, अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति केचित भीता प्राणजलयो गृणन्ति। अमी, अमी मतलब वे सब, ही निश्चय ही त्वाम आपको सुर संघा विशंति, देव समूह जो है वो भी प्रवेश कर रहे हैं। केचित, उनमें से कुछ भीता है, कुछ डरे हुए हैं और हाथ जोड़े आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो देखिए, देव समूह भी क्या हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रवेश करना, तो जब सुर संघा भी प्रवेश कर रहे हैं तो और असुर भी प्रवेश कर रहे हैं, तो अंतर क्या हो गया भाई? देवता लोग भी अंदर घुस रहे हैं, असुर लोग भी घुस रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। जैसे कभी अगर मान लीजिए कोई किसी रूम में प्रवेश कर रहा है तो उसको कोई नेगेटिव सेंस में लेगा क्या? अरे रूम में गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन कोई व्यक्ति अगर दलदल में प्रवेश कर रहा है, अंतर है क्या लगता है? यस, बहुत अंतर। दलदल में अगर घुस रहा है और कोई किसी रूम में घुस रहा है, अंतर है कि नहीं? अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द आया है कि देवता लोग भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसमें डरने की बात है या इसमें कोई विस्मय होने की बात है, कि ठीक है, दे आर ऑल्सो कमिंग इनसाइड, बिकॉज भगवान विष्णु तो देवताओं को संरक्षण देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ केचित, उनमें से कुछ भीता भयवश प्राणजल है, हाथ जोड़े, प्राणजल मतलब ये, इसको कहते हैं प्राणजल, हाथ जोड़े गृणंति स्तुति कर रहे हैं, स्वस्ति कल्याण हो, कल्याण हो, ठीक है। तो स्वस्ति वचन, स्वस्ति वचन आप लोगों ने कभी सुना है? ये स्वस्ति वचन कब बोला जाता है? ओम शांति शांति शांति, हरिओम, सुना है आप लोगों ने? हरिओम स्वामी शांति शांति, कल्याण हो, कल्याण हो, अरे भगवान शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो ऋषियों का कार्य क्या है? ऋषियों का कार्य क्या है? बेसिकली ठंडा करना, शांत करना। भगवान आप उग्र हो गए हैं, आप कूल डाउन हो जाइए, पैसिफाइड हो जाइए, शांत हो जाइए। तो यहाँ पर स्वस्ति वचन, तो स्वस्ति वचन, स्वस्ति वचन का मतलब यह है कि प्लीज कूल डाउन। सिद्ध संघा, सिद्ध लोग स्तुवंती, स्तुति कर रहे हैं, तो हम आपकी स्तुति भी प्रार्थनाओं से पुष्कला भी। तो देखिए, इस श्लोक में तीन शब्द हैं, गृणंती, स्तुवंती एंड स्तुति, ठीक है। स्तुति क्या है, और एक है स्वस्ति भी, ठीक है, स्वस्ति वचन भी। ये चार चार शब्द हैं, गृणंती, स्वस्ति, स्तुवंती एंड स्तुति। स्तुति किसको कहते हैं? स्तुति मतलब क्या? गुणगान करना, आपके 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 लिए प्रार्थनाओं के पुल बांधना, इसको कहते हैं स्तुति, ठीक है। दिस इज द स्तुति वर्ड। स्तुवंती मतलब क्या? द एक्ट ऑफ डूइंग इट, ठीक है, एक्ट ऑफ डूइंग इट, जो स्तुति कर रहे हैं उस एक्टिविटी को कहा जाता है स्तुवंती। स्तव, स्तव किसको कहते हैं? स्तव किसको कहते हैं? जो स्तोत्र है, जैसे कभी राम रक्षा कवच है, नरसिंह कवच है, स्तव, ये सब स्तव है, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, ये सब स्तव है। तो जो कंपोजिशन है उसको कहा जाता है स्तव। एंड स्वस्ति का मतलब क्या है? स्वस्ति का मतलब है ब्रिंगिंग ऑस्पिशियसनेस, स्वस्ति या शांति। देखिएगा, इसीलिए कभी कभार स्वस्तिक सिंबल का भी यूज किया जाता है। स्वस्तिक का मतलब क्या है? जो ऑस्पिशियसनेस लाता है। उसी तरह से स्वस्तिक नहीं है यहाँ पर, स्वस्ति है, यानी कि जो शांति लेकर आए। वो यहाँ पर प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप शांत हो, ठीक है। तो भले यहाँ पर सुर संघा विशंति, अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति केचित भीता प्राणजलयो गृणन्ति। इस भगवान विष्णु के शरीर में, काल रूप के शरीर में सुरगणा भी प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है उस प्रकार से, जिस प्रकार से असुरों का या दुर्योधन का, भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, कर्ण का। अभी आप कुछ श्लोकों बाद देखेंगे कि वो लोग भगवान के दांत में आके फंस जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, बेचारे अटके हुए हैं, किसी की मुंडी फंसी हुई है, किसी का पैर फंसा हुआ है। तो वैसा सिचुएशन नहीं है देवताओं का, देवता लोग भी प्रवेश कर रहे हैं, तो बट दैट इज इन अ फेवरेबल मूड, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे लोग, सबको ये चीज देख पा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो ऑफकोर्स, एक कभी कभार शास्त्रों में वर्णन आता है कि देवता लोग भी भगवान से डरते हैं। मत भयात वाति वातो वयम सूर्यस्तपति मत भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्निस
मृत्युश्चरति मद भयात। ये कौन से स्कंद का श्लोक है? तीसरे स्कंद का श्लोक है, मद भयात वाति वातोयम। भगवान कपिल मुनि वहां पर अपने माता देवहूति को ये बताते हैं, मद भयात वाति वातोयम, मेरे ही भय से ये पूरा जगत क्या कर रहा है, ये कार्य कर रहा है। मद भयात वाति वातोयम यानी कि ये जो पवन है तो मेरे भय से क्या कर रहा है, प्रभावित हो रहा है ना। सूर्य स्तपति मत भयात, सूर्य मेरे भय से ही इस जगत को तपा रहा है। वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा क्यों कर रहे हैं, अपना ड्यूटी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे डर से है वो। वर्षति इंद्रो दहति अग्नि, अग्नि दहन क्यों कर रही है, अग्नि जला क्यों रही है, अग्नि में वो पोटेंसी क्यों है, क्योंकि वो मुझसे डरती है, वो मुझसे डरते हैं। एंड मृत्युश्चरति मत भयात, और जो काल है वो अपना कार्य क्यों कर रहा है, या यमराज अपना कार्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे डरते हैं। तो ये श्लोक कभी कभार आपको लगेगा, अरे बाप रे भगवान का तो बहुत बड़ा कहर है, कहर डर बर्पा के रखा है भगवान ने, ये सारे देवता लोग एकदम थर थर कांपते हैं। मद भयात वाति वातोयम, सूर्यस्तपति मद भयात, दहति अग्नि वर्षति इंद्रो, मृत्युश्चरति मद भयात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आपको क्या लगता है, ये जो भय वाला जो कौन ये जो श्लोक आया है, क्या ये इस प्रकार का भय है, सारे देवता लोग ऐसे कांप रहे हैं और इसीलिए डर के मारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? एप्रिसिएशन ऑफ द गॉडली पावर दैट ही इज सुप्रीम, इज द कंट्रोलर, सो एडमिटेंस दैट ही इज द सुप्रीम पर्सन, यस दे आर बाउइंग डाउन, यस थैंक यू सो मच माता। देखिए देयर इज अ दो चीजें हैं, कभी जो रिस्पॉन्सिबल नागरिक होते हैं, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, डू दे हैव अ फियर ऑफ गवर्नमेंट, कभी उनके अंदर भी एक डर रहता है कि सरकार का डर है, होता है क्या नहीं बताइए। जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके मन में भय होता है या नहीं होता है? होता है प्रभु, होता है, होता है, but that kind of fear is not a unhealthy fear, that is a healthy fear, कि मैं fear of responsibility, yes, मुझे अपना कार्य करना है, या फिर कभी हम लोग सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं तो there is a healthy fear कि मुझे सिग्नल नहीं तोड़ना है, क्यों, क्योंकि कोई देखने वाला है, ऐसा नहीं हो कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, right? Similarly, देवताओं के अंदर भी अगर भय की बात कही जा रही है, मत भयात वाति वातोयम, इसका मतलब ये है कि दे आर इन अ हेल्दी फियर कि मुझे भी किसी को रिपोर्ट करना है, मेरे ऊपर भी कोई आका बैठे हुए हैं कि मैं अगर अपना कार्य नहीं करूंगा तो मैं जवाब क्या करूंगा, मेरी जवाबदारी किसके साथ है। तो भगवान कभी भी डंडा राज नहीं चलाते, यार नहीं करेगा तो बस पिटाई, नहीं, भगवान के साम्राज्य में देवता लोग भी अपना कार्य कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, बट देर इज अ हेल्दी फियर, जस्ट लाइक अ सिटीजन हु इज हैविंग अ हेल्दी फियर ऑफ अ गवर्नमेंट कि अगर मैं अपना टैक्स नहीं दूंगा सही समय पर तो मेरे अगेंस्ट एक्शन होगा, मैं अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ूंगा तो मेरे इंस्पेक्शन होगा, दैट इज अ हेल्दी फियर, नॉट लाइक अ क्रिमिनल्स फियर फॉर अ पुलिस, ठीक है, वैसा फियर नहीं है। तो यहाँ पर भी जब देवता लोग डरे हुए हैं, यहाँ पर सच में वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग ऐसे डरे हुए नहीं रहते हैं भगवान से, लेकिन ये रूप इतना भयावह था कि सच में वो डरे हुए थे, ठीक है, इसीलिए वो स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अनम्यूट कर लीजिए, अभी नेक्स्ट श्लोक 22वां नंबर श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, लेट्स अनम्यूट। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्वयक्षासुरसिद्ध संघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं प्रभु? यस मोदी प्रभु, अजय प्रभु जी बोलिए, पढ़िए। शिव के विविध रूप आदित्यगण व साध्य विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार मरुद्रुन पितृगण गंधर्व यक्ष असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस श्लोक में कुछ प्रधान देवताओं के बारे में वर्णन आया है। रुद्र कितने हैं? 11। आदित्य
12 वसव, वसव मतलब वसु, 8 वसु हैं। ये च साध्या विश्वैश्विनो, विश्वैश्विनो मतलब विश्व देवता, ये संसार के कुछ विश्व देवता है, ये कौन देवता है मेरे को नहीं पता है। अश्विनो मतलब अश्विनी कुमार। मरुत, मरुत मतलब मारुति, मारुति का मतलब कौन, पवन देव। पवन देव के बारे में हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है, 49 पवन देव है। उष्म पाश्च यानी कि उष्णपा, उष्मपा मतलब जो उष्म पाते हैं, मतलब जो स्टीम, हॉट स्टीम का भक्षण करते हैं। उष्मपा मतलब यहाँ पर बताया गया है पितरों को, ये जो पितृगण हैं ये लोग कैसे भोजन भोजन भक्षण करते हैं, दे टेक हॉट स्टीम। अब ये कैसे लेते हैं पता नहीं, ये लोग उष्णपा ही है, मतलब कैसे खाते हैं आई डोंट नो। एंड देन कंधर्व गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा, इसके अलावा मैं क्या देख रहा हूँ, गंधर्वों को देख रहा हूँ। गंधर्व वो लोग हैं जो कि बहुत सुंदर गाते हैं देवताओं में, देवलोक में ये लोग गाने वाले गवैये लोग हैं, सेलेस्टियल सिंगर्स। कभी हम लोग बहुत सुंदर कीर्तनियों को देखते हैं, बोलते हैं वाह 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 आपके तो गंधर्व जैसी वाणी है, इतनी सुंदर है। और इनफैक्ट नारद मुनि को भी कभी कभार कहा जाता है ही इज अ गंधर्व, क्योंकि बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं वो। नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमण नामे, तो ये एक बहुत सुंदर गीत है भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ, नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमण नामे। तो वो गंधर्व हैं और उनके फ्रेंड भी हैं जिसका नाम है तुम्बुरु, तो दोनों हाथ में वीणा लेके भगवान का नाम गानन करते रहते हैं, बिकॉज दे आर सेलेस्टियल सिंगर्स, दे रूम अबाउट हियर एंड देयर। इसके अलावा यक्ष, यक्ष मतलब ये कुछ जिन्न लाइक पर्सनैलिटीज होती हैं, इनके जो हेड हैं वो कुबेर हैं। सुर सिद्ध संघा, तो इसके साथ है क्या, सुर असुर, सॉरी सुर यहाँ पर जो है ये असुर है। एंड सिद्ध, सिद्ध मतलब सिद्ध लोग एक अलग प्लैनेट ही है, अलग अदर सिद्ध सिद्ध लोकास, सिद्ध चारण गंधर्व, इनका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सिद्धि प्राप्त हैं ये लोग। तो ये सब कोई क्या कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं विस्मित रूप से, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होकर ये सब के सब आपको इस प्रकार से देख रहे हैं। तो देखिए कुछ श्लोकों पूर्व यहाँ पर किस प्रकार से अभी शिफ्ट ऑफ फोकस हो रहा है। कुछ श्लोक पूर्व अर्जुन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि मैं देख रहा हूं शिव जी हैं, अश्विनी हैं, आदित्य हैं, कुछ जस्ट 8-10 श्लोक पहले ही वो बता रहे थे अर्जुन, राइट, अगर आपको याद आ रहा होगा। और इनफैक्ट कुछ श्लोक पहले, उसके भी कुछ श्लोक पहले भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं कि तुम्हें इस विराट रूप में तुमको क्या क्या दिखने को मिलेगा, तुमको रुद्र दिखेंगे, तुमको आदित्य दिखेंगे, तुमको वसु दिखेंगे। तो 2-3 बार इनका नाम आया है अभी रिसेंटली कुछ श्लोकों में। और तो और 10वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण जब अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे थे, याद है, तो वहां पर बताते हैं कि मैं रुद्रों में मैं क्या हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं आदित्यों में मैं कौन हूँ, मैं विष्णु हूँ या वामन देव हूँ, याद आ रहा है आप लोगों को। मरुद्गणों में मैं कौन हूँ, मैं पवन देव हूँ, इस तरह से वो बताते हैं आपको, पिछला चैप्टर अगर विभूति वाला याद आएगा। तो उन्हीं का ही नाम फिर से इस चैप्टर में भी आ रहा है, तो उस समय वो सुन रहे थे, इस बार वो देख पा रहे हैं इन लोगों को। और तो और सिर्फ ये नहीं, ये 5 तो प्रोमिनेंट है, 5 मतलब कौन कौन, रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी और मरुत। इसके अलावा वो सिद्धों का नाम दे रहे हैं, वो गंधर्वों का नाम ले रहे हैं, वो असुरों का भी नाम ले रहे हैं, असुर लोग भी भयभीत हैं, सबके सब भयभीत हैं। तो कुछ चैप्टर्स पहले, कुछ श्लोकों के पहले भगवान श्री कृष्ण ने भी नाम लिया, अर्जुन ने भी नाम लिया, और अभी जाके फिर ये देख रहे हैं कि इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले ये लोग विस्मय होकर देख रहे थे, अभी ये डर वाला फेज आ रहा है, ठीक है, डर, ये सबके सब डर गए। तो ये जो 28 नंबर श्लोक है, उसके 1920 के बाद एक ट्रांजिशन हुआ है। ट्रांजिशन किसका है, फीलिंग्स का ट्रांजिशन। जिस प्रकार से विस्मय रस था अर्जुन के अंदर, आश्चर्यचकित होकर वो देख रहे थे, अभी भय की भावना हृदय में प्रवेश कर रही है। इतना भयावह रूप देखकर सबके हृदय में भय प्रवेश कर गया है, इवन टू द पॉइंट ये जो बड़े से बड़े कंट्रोलर्स हैं, इतने बड़े से बड़े कंट्रोलर लोग हैं, ये लोग भी डरे हुए हैं, ठीक है, ये लोग भी डरे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान की ये जो दिव्य रूप है, इसमें किस प्रकार की उग्रता रही होगी, ठीक है, किस प्रकार की उग्रता रही होगी। ऑल आर लुकिंग एट यू इन एस्टोनिशमेंट, वीक्षन्ते त्वं विस्मितश्चैव सर्वे, ठीक है, एंड दृष्ट्वा लोका प्राव्यथितास्तथाम्यहं तथाहम्। तो इस प्रकार से सब कोई आपको इस रूप से देखकर डरे हुए हैं। तो 20-29 में बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि भगवान
अपने काल रूप का निरूपण कर रहे हैं हमारे सामने। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि पहले जो लोग यहाँ पर क्या है, इट इज अंडरस्टूड दैट नाउ फॉर सीइंग द वार द देवास असुरास गंधर्वास किन्नरास एंड अदर्स हु आर फ्रेंडली और न्यूट्रल हैड गैदर्ड। नॉट ओनली अर्जुना वाज गिवन सेलेस्टियल आइज, दे वर आल्सो गिवन सेलेस्टियल आइज बाय द लॉर्ड टू सी दिस फॉर्म। तो ये सब के सब महाभारत के युद्ध देखने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन कुछ और ही अब देखने का मंजर है अभी। इफ ओनली अर्जुना कुड सी दैट फॉर्म इट वुड हैव बीन लाइक अ स्लीपिंग पर्सन सीइंग चैरियट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ ड्रीम व्हाइल अदर्स कुड नॉट सी देम। द लॉर्ड डिड दिस सो दैट मेनी अदर्स कुड बियर विटनेस हिज पावर्स। भगवान ने सबको क्यों दिखाया, क्योंकि ये जो काल रूप को देखने के बाद सबके सब साक्षी बनेंगे। अर्जुन ने कोई स्वप्न नहीं देखा, सपना नहीं देख लिया, सच में ये सारी घटनाएं घट रही थी। तो ये काल रूप सच में आप आंखों के सामने उपस्थित था, तो ये भगवान यहाँ पर दर्शा रहे हैं। नाउ 23 नंबर श्लोक, सबको अनम्यूट कर लीजिए। दिस इज 23। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहु रूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम् लोका प्रव्यतितास्तः तथाहम् ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं? यस प्रभु जी मैं पढ़ू? यस धन्यवाद प्रभु जी मैं पढ़ू? धन्यवाद पढ़ी। हे महाबा, आपके इस अनेक मुख नेत्र बाह जांग पांव पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हें और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रतिथा स्थानम प्रतिथा स्तथा हम ठीक है। प्रव्यथिता अहम। तो यहाँ पर ये जो शब्द है प्रव्यथिता मतलब विचलित, ये फिर बार बार रिपीट हुआ है, दो तीन बार रिपीट आएगा या दो तीन श्लोकों में ये शब्द आएगा प्रव्यथिता, विचलित हो गए सब कोई, उसी प्रकार मैं भी हुआ हूँ। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन दूसरों के बारे में तो बोल ही रहे हैं कि दूसरे लोग बिविल्डर्ड हो रहे हैं, सब कोई परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ मैं भी हो रहा हूँ। तो दूसरों का भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मैं स्वयं भी बहुत ज्यादा विचलित हूँ। तो इस श्लोक में रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, ये बहु शब्द बार बार आया है, एक प्रकार से अनुप्रास या रिपीटेड क्या बोलते हैं इसको, कौन सा अलंकार कहेंगे, बार बार एक ही शब्द आए बहु 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 बाहु बहु दरम बहु दमस्त करालम। व्हाट इज विच अलंकार दिस एलिट्रेशन इंग्लिश में रिपीटेशन या फिर अनुप्रास अलंकार अनुप्रास रिपीटेशन। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर भी ये शब्द आया है, तो विस्मय से बार बार विस्मय से अभी भय रस में परिवर्तित हो गया है। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत मुख हैं, बहुत नेत्र हैं आपके, और महत रूप है, बहुत बड़ा विशाल रूप है आपका, ये समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं। महाबाहो, तो देखिए बाहो बहु और बाहु शब्द आया है, पहला शब्द है बाहो। महाबाहो जब शब्द आता है तो इस किसको संबोधित किया जा रहा है, महाबाहो मतलब मोस्ट पावरफुल, एड्रेस किया जाता है किसी को, एड्रेस किया जा रहा है यू आर सो पावरफुल। तो भगवान श्री कृष्ण आप कितने पावरफुल हैं, महाबाहु आपके अंदर, आपकी बाहुओं में कितना बल है। उसके साथ बहु बाहु मतलब सोचिए किस तरह का शब्द है, महाबाहु बहु बाहु बहु धर्म बहु धमशा करालम, ठीक है। तो बहु बाहु मतलब आपके बहुत सारे हाथ हैं। तो कभी कभार पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बहुत बार पेंटर्स लोग, भगवान के बहुत सारे हाथ बनाते हैं विराट रूप में, लेकिन इतने हाथ थे कि कहे गिनना मुश्किल था। तो हम तो पेंटर होकर अपनी अपनी लिमिटेशन में ही अपनी पेंटिंग बना सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण
किस स्थिति में कैसे हैं वो समझिए। तो बहुत बार देखिए ये सब अध्याय हमारे लिए क्यों कहां पर एप्लीकेबल है, 11वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं जान रहे हैं, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी। तो अगर आपको समझना है तो इसका यूटिलिटी कहाँ है, जब दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम का पढ़ेंगे कभी भी ये मत जज कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे इमोशनल होते हैं, रामचंद्र जी भी सीता मैया के चले जाने पे इतना विलाप करते हैं, तो ये तो हमारे साधारण व्यक्ति हो गए। तो अपनी फीलिंग्स को भगवान पे प्रोजेक्ट कर देना, मतलब तू गधा तो भगवान भी वैसे ही, तू नालायक तो भगवान भी नालायक। तो एक ये आता है कि आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा, एक उक्ति आती है ना कि आप जैसे हैं तो जगत भी वैसे ही दिखता है। तो आपके अंदर अगर काम की भावना है तो आप सोचेंगे भगवान के अंदर भी काम की भावना है, आपके अंदर लोभ है तो भगवान के अंदर भी रहा होगा लोभ, मोह मद माश्चर्य मात्सर्य ये सब भावना तो भगवान के अंदर भी रहेगी। तो ये जो लॉजिक है कि मैं जैसा हूं तो ये जगत भी वैसा ही होगा, आत्मवत मन्यताम जगत इसको कहते हैं, दिस लॉजिक इज कॉल्ड आत्मवत मन्यताम जगत। कभी भी ये अध्याय पढ़ने के बाद ये भावना तो जरूर नहीं आनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति है, जो व्यक्ति पूरे अपने शरीर में पूरा विश्व रूप समा कर बैठा हुआ है उसको कोई साधारण समझे ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। कभी भी इसीलिए कहा जाता है क्या कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले भगवद गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या आप भगवान की लीलाओं को समझेंगे, इस प्रकार से भगवान सृष्टि लीला कर रहे हैं वो पहले समझो, रादर देन जंपिंग ऑन द रासलीला। रासलीला जानिए, अरे रासलीला का पहले सृष्टि लीला भगवान ने किस प्रकार से की, भगवान का विराट रूप कितना महान है, किस प्रकार से भगवान कितने महान है, पहले भगवान की महानता को समझिए फिर भगवान की मधुरता को समझिएगा। तो महाबाहु बहुबाहु ये सब शब्द आ रहा है, बहु उदर बहु पेट बहु बहु पेट है, बहु दमस्ट्रा करालम, नरसिंह देव के स्तोत्रों में भी ये आता है दमस्ट्रा करालम, दांत मतलब एकदम भयानक दांत है, करालम मतलब भयानक दांत तो है दमस्ट्र बहुत दांत है लेकिन भयानक दांत है। दृष्टवा लोका प्रवेतिता तथा हम, तो सोचिए अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो जैसे कभी लोग क्यों कंफ्यूजन में आ जाते हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड आपने जिंदगी भर उसको देखा है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे उसकी फीलिंग्स है, कैसे वो बात करता है, कभी खुश रहता है कभी दुखी रहता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, खुशी में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कभी प्यार में रहता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, आपको पता है उस दोस्त के बारे में। लेकिन अचानक से एक दिन बावड़ा हो गया और आपके सामने गए तो अरे भाई क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड कर रहा है और बड़ी बड़ी दांतें दिखा रहे तो आप क्या सोचोगे, भूत भूत पकड़ लिया गया क्या हो गया तेरे को। तो जब एक्सपेक्टेशन के बाहर आप कभी रिस्पॉन्स देखते हैं तो क्या समझ में आएगा, अरे भाई इसको क्या हो गया, मेरा दोस्त सब कुछ अभी तक सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा मिसबिहेव क्यों कर रहा है, अचानक ऐसे चीजें क्यों कर रहा है, अचानक दांत क्यों दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका आपका अगर पालतू कुत्ता है, बहुत लोग कुत्ते पालते हैं घर पे, अपने घर पे पेट डॉग पालते हैं, तो आपको पता है उसका नेचर क्या है, लेकिन अचानक से अगर कभी वो अपना दांत दिखाने लगे बड़ी बड़ी दांतें दिखाने लगे और मुंह से झाग बाहर निकलने लगा, तो आप क्या समझोगे, खतरे की घंटी है, यानी कि क्या हो गया उसको, क्या हो गया है बताइए, कुत्ते को क्या हो गया है, रेबीज हो गया, पागल कुत्ता हो गया, रेबीज हो गया। तो जब भी एक्सपेक्टेशन से बावड़ा हो गया, अगर एक्सपेक्टेशन के बाहर कोई अगर रिस्पॉन्ड करता है तो वो एबनॉर्मल है। अर्जुन के लिए भी ये चीज था, आज तक मैंने आपको नॉर्मल सिचुएशन में देखा, आपसे मैं बात करता रहा हूँ, लेकिन आज मैं एक अलग तरह का रूप देख रहा हूँ, कहा है ये अभी तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भगवान आप कौन हो, इसलिए प्रश्न भी पूछेंगे आप हो कौन भाई, मैं इतने दिनों तक मैंने आपका ये रूप नहीं देखा, आपसे तो मैं बात करता था, आपसे मैं आपको मैं और आगे चल के बताएंगे आपको मैंने क्या क्या नाम से पुकारा है, अरे यादव, ओए घोष, ओए ग्वाला, ओए गाय चराने वाले, इधर चल, कृष्ण को क्या क्या नाम से पुकारा है और अभी जाके वो क्या क्या रूप से किस प्रकार से देख रहा है वो, तो डर तो लगेगा ही। तो इसीलिए ये अचानक मान लीजिए अगर आपका कोई सगा संबंधी अगर इस तरह से बिहेव करेंगे तो आपके साथ कैसा होगा, उसी प्रकार की फीलिंग अर्जुन के अंदर भी है कि भगवान ये क्या हो गया। तो पूरा जगत पूरा त्रिभुवन प्रव्यथित मतलब डिस्टर्ब हो गया है और साथ ही साथ मैं भी डिस्टर्ब हो गया हूँ,
तो भगवान कुछ तो बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये है क्या चीज। ठीक है, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उनकी तरह मैं भी हूं, मेरा भी, मैं भी विचलित हो रहा हूं। तो कृपया करके शांत हो जाइए, आगे चल के यही बताएंगे अर्जुन। ओके, तो 24 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णम्, व्याताननं दीप्त विशाल नेत्रम्, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, दामि शमं च विष्णु। मैं मतलब कौन है, मैं कौन सी अनुभव ली रहा माता जी। हरे कृष्ण। हे विष्णु, तोमार आकाशपोषी तेजोमय विविध वर्णयुक्त विस्तृत मुखमंडल एवं उज्जवल आयत नेत्र विशिष्ट, तोमाके देखे आमार हृदय व्यथित होच्छे एवं आमि धैर्य ओ धैर्य रक्षा करते पारछि ना। ओके, हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपके आंख, पहले मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। ठीक है, तो तो जस्ट वन सेकेंड। यस, तो नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम। नभस्पृशम, नभ का मतलब क्या होता है बताइए, नभ का मतलब क्या है? आकाश। आकाश, नभ, नभस्पृशम, आपका रूप जो है नभ को स्पर्श कर रहा है, आकाश को स्पर्श कर रहा है। दीप्तम अनेक वर्णम, और भिन्न भिन्न कलर भी है, अनेक वर्णम मल्टी कलर, मतलब पूरा एकदम 3D आईमैक्स मूवी विद कलर ग्राफिक्स कार्ड आल्सो, कलर पूरा एकदम कलर, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी नहीं चल रही है, कलर के साथ, उसमें साउंड इफेक्ट्स भी है, स्पेशल इफेक्ट्स भी है, और आपका फुल हीट भी सेंसेशन है, क्योंकि पहले तो लाइट था, अभी हीट भी आ रहा है, गर्मी भी लग रही है। दीप्तम, दीप्तम का मतलब क्या है? ज्योतिर्मय, साथ में हीट भी आ रही है। व्यात्ताननम दीप्तम विशाल नेत्रम, फिर से दीप्त शब्द आया है। व्यात्ताननम, व्यात्ताननम, व्याक्त, व्याक्ताननम मतलब खुले हुए, आननम मुख, मुख खुले हुए हैं। दीप्तम प्रदीप्त, विशाल बड़ी बड़ी नेत्रम, दीप्त विशाल नेत्रम, आंखें बड़ी बड़ी। तो कभी कभार हम लोग देखिए किसी के बड़ी बड़ी आंखों को हम लोग कभी पोएट्री रखते हैं, किसी की, किसी किसी की पोएट्री करते हैं, तुम्हारे नैना तेरे नैना, कभी हम लोग गाना गाते हैं, कभी मूवी मूवी गाने, मूवी के गाने गाते हैं कि आपकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं, कितनी सुंदर हैं, कितनी विशाल हैं, राइट। तो पोएटिक तरीके से हम लोग किसी बिलेवर्ड के लिए हम लोग आंखों के को बहुत बड़ी बड़ी उपमा देते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी मतलब ये वो वाली बड़ी नहीं है कि चलो देख के सुकून मिल रहा है, ये इतनी आंखें बड़ी हैं कि भाई देख के डर लग रहा है, इतनी भयानक भयानक आंखें। विशाल नेत्रम, भगवान जगन्नाथ जी की भी आंखें विशाल हैं, राइट। या फिर कभी कभार कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण, इनकी आंखें किस प्रकार से हैं? कमल पत्र अक्ष, कमल पत्राक्ष, इस अध्याय के शुरू में भी कमल पत्राक्ष शब्द आया है, तो मतलब क्या है, कमल के पत्ते की तरह, पौधों फूलेर फूलेर पापड़ी मत चोक, हाँ पौधों फूलेर पापड़ी, किंतु पौधों पौधों कमल के पापड़ी कैसे, यस, कमल के पत्ते का मतलब कमल का नीचे वाला पत्ता नहीं, कमल की पंखुड़ियां, उनके हिसाब से आंखें, और आंखें कैसी होती है, एकदम ऐसी रहती है, इसलिए डीटीज की आंखें भी देखेंगे आप, पर कमल के पत्तों की तरह होती है और काफी लंबी होती है, इतना दूर तक जाता है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण या गौरांग महाप्रभु की आंखें एकदम कान के पास तक जाती है,
हमारी आंखें तो इधर ही खत्म हो जाती हैं, भगवान की आंखें एकदम थोड़ी दूर तक जाती हैं और देखने में भी सुंदर लगती है, एकदम मिसप्रोपोर्शन नहीं लगता है, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं लगता है, इतनी सुंदर बड़ी बड़ी आंखें हैं लेकिन हृदय को भी शांत करती है, देखने में बहुत आनंद प्रदान करती है भगवान की आंखें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दीप्त विशाल नेत्रम, यहाँ पे भगवान की आंखें हैं, किस प्रकार की आंखें हैं, देख के डर लग रहा है, भय आ रहा है, भय हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, इतने सब कुछ है, इतने सारे वक्त्र हैं, मुख हैं, ये देख के भय हो रहा है, दिस इज लाइक दिस भयानक मुख। तो उसके बाद दृष्ट्वा ही त्वां प्रव्यथिता प्रव्यथांतरात्मा, साथ ही साथ इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखकर निश्चित रूप से आपको देखकर सब कोई भयभीत हो रहे हैं, अंत आत्मा भीतर बाहर सब कोई भयभीत है। धृतिम न विंदामी, धृति मतलब दृढ़ता, मेरी दृढ़ता भी क्या हो रही है, मेरा मेंटल कंपोजर, मेरा जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, मैं और नहीं ले पा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण, मैं इसको झेल नहीं पा रहा हूँ। क्षमम च विष्णु, हे विष्णु आप शांत हो जाइए। तो यहाँ पर देखिए, हे सर्वव्यापी विष्णु, तो यहाँ पर एक चीज देखने के लिए है, तो भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है, परम सौम्य दृष्टि रखते हैं भगवान श्री विष्णु, भगवान विष्णु कभी एकदम उग्र रूप नहीं दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो रही है, यहाँ पे विष्णु जो कि सबसे सौम्य रूप दिखाने वाले व्यक्ति हैं वो ऐसा भयानक रूप दिखा रहे हैं। तो भगवान के सामने अर्जुन ये प्रार्थना कर रहे हैं, हे विष्णु ये मैं क्या रूप देख रहा हूँ आपका, वट इज दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, देखिए बार बार ये जो चीज आई है, रिपीटेशन आ रहा है, एलिट्रेशन, अगेन एंड अगेन ये रिपीटेशन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई दोष है, इट इज नॉट अ दूषण, इट इज अ विभूषण, इसमें कोई दूषण नहीं है, इसमें भूषण है। इसका मतलब क्या है कि बार बार जब बार बार ये चीज आ रही है तो इसका रूप की विस्तृतता कितनी बड़ी रही होगी, विराट रूप कितना विशाल होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा स्पेक्ट्रम या वंडरफुल नोट वर्दी ऐसा एक स्पेक्ट्रम था, ऐसा देखने वाली स्पेक्टेकुलर दृश्य था कि उसका हम चर्चा में सोच भी नहीं सकते, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी ये देखना। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का ये जो ये रूप है, ये एक और रूप भी दर्शाता है कि भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं कि अर्जुन तुम्हें मैं रक्षा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और सबका मैं विनाश करूंगा, जिन लोगों ने अधर्म का साइड लिया है सबका मैं विनाश करने वाला हूं। तो ये विराट रूप भगवान अपने भक्तों को एश्योरेंस देने के लिए भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, ठीक। तो समझ में आ रहा है आपको, तो बेसिकली विष्णु का रूप सौम्य है लेकिन यहाँ पर विष्णु एक उग्र रूप दिखा रहे हैं टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज, ओके। तो दिस इज द थीम। तो बेसिकली अर्जुन अपने दोस्त को ऐसे रूप में जब भी कभी देखा ही नहीं है तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए हैं और इस कारण ये श्लोक कह रहे हैं। तो दूसरा चीज जो मुझे दैट टच्ड माय हार्ट विच आई वांट टू एक्सप्रेस, जैसे ये जो विराट रूप है जिसमें काल रूप को आप देख पा रहे हैं और इसी काल रूप में जो नेक्स्ट श्लोक आएगा अभी इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सबका वो भक्षण कर रहे हैं। तो मैं उसी श्लोक में मैं अभी आपके सबके सामने वो पॉइंट कहूंगा, ठीक है। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, then I will share that point. Danshta karalani chate mukhani Danshta karalani chate mukhani Vishchaiva kalanala sannibhani Vishchaiva kalanala sannibhani Shona jane nalabhe cha sharma Dishona jane nalabhe cha sharma प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास कौन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, हरे कृष्ण प्रभु जी, यस माता जी, हाँ माता जी पढ़िए, यस जगन्निवास, हरे कृष्ण, हे देवेश, हे जगन्निवास, ভয়ঙ্কর দন্তযুক্ত এবং প্রলয়াগ্নি সদৃশ্য তোমার মুখ সকল দেখে আমার দিক বিভ্রম হচ্ছে এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না,
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও হে দেবেশ হে জগন নিবাস আপ মুঝ পর প্রসন্ন হইয়ে প্লিজ বি হ্যাপি উইথ মি প্লিজ বি স্যাটিসফাইড मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। देखिए दंष्ट्रा करालानी, फिर से ये वर्ष शब्द आया, दंष्ट्रा करालानी, दांत भयानक दांत थे। चते मुखानी दृष्टे व काला नल संग निभानी, और साथ ही साथ काल अनल, प्रलय की प्रलय में जिस प्रकार की अग्नि होती है मानो उस प्रकार की अग्नि दीप्तिमान हो चुकी है, और इतनी अग्नि है कि यहाँ पे गर्मी भी लग रही है। दीप्तिमान अग्नि, ये जो हीट एलिमेंट था, इस इन सब श्लोकों में हम देख सकते हैं कि पहले जो लाइट एलिमेंट के बाद ये जो हीटिंग एलिमेंट भी है वो भी हम विराट रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जल रहे हैं सब, कोई तप रहे हैं, ऐसी सिचुएशन। दिशो न जाने च लब न लभे च शर्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दिक भ्रम हो रहा है, कभी आप भूल भुलैया में कभी फंसे हैं, कभी कोई गया है भूल भुलैया, कोई गया है किधर आके फंस जाते हैं। अभी आप कभी मान लीजिए नए व्यक्ति हैं और सॉल्ट लेक में आए, सॉल्ट लेक में आके गाड़ी चला रहे हैं, तो सारे आइलैंड एक ही लगेंगे, एक ही जैसा। अरे सब ये कुछ देर पहले दिख भ्रम हो जाए, कुछ देर पहले यही आइलैंड था, उसके बाद भी यही आइलैंड है, उसके बाद भी यही आइलैंड है। आइलैंड मतलब क्या, चौराहा जो है वहां पे आइलैंड टाइप का है, वो सब का सब एक ही जैसा दिखता है, लेकिन आप कुछ दिन अवगत हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा ये जीडी आइलैंड है, ये बैसाखी वाला आइलैंड है। देख के समझ में आता है कि ये लोकेशन देख के समझ में आ जाएगा कि ये फीलिंग आ जाती है ये बैसाखी है, बैसाखी आइलैंड है, या ये लाबोनी है, तो ये तो सब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन जनरली कोई नया व्यक्ति आएगा तो पगला जाएगा, बोले यार सब एक ही लग रहा है, कहाँ आगे फंस गया मैं, सारे आइलैंड एक ही दिखते हैं। बोकारो भी ऐसा ही है, बोकारो भी ऐसा ही है। हाँ बोकारो में भी, बोकारो में सारे क्वार्टर एक ही दिखते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं। पहले तो मैं बड़ा जाती थी, एक ही जैसे दिख रहे थे। न्यू टाउन है, वही असुविधा আছে। न्यू टाउन है नहीं ওতটা না আছে, ভেতরে ঢুকলে হয়, ভেতর দিকে ঢুকলে। एनीवेज कहने का मतलब यह है कि दिख भय होना मतलब कंफ्यूजन होना, डिस्टर्बेंस हो जाना, समझ में नहीं आना, मेरा जीपीएस पगला जाना, नॉर्थ का है साउथ का है, मेंटल डायरेक्शन गड़बड़ हो जाए, तो वो इस प्रकार से, तो दिख भय, दिख भ्रम। तो अभी यहाँ पर देखिए बेसिकली ये मैं जो चीज कहना चाह रहा था पिछले श्लोक में अभी बता रहा हूँ। तो ये जो विराट रूप है, विराट रूप इज अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, राइट, सबको पता है, बार बार हम कह रहे हैं कि भगवान का एक 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 प्रकार से ये टेम्पररी फॉर्म है, बट इट इज चेंजिंग फॉर्म, चेंजेस बहुत चेंजेस होते रहते हैं, जिस प्रकार से ये जगत परिवर्तित हो रहा है भगवान के रूप में भी बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। तो इस रूप को देखकर एक भक्त के लिए, कृष्ण के भक्त के लिए क्या सीख है, तो आई वॉज वंडरिंग बट आई वॉज इट वॉज कम्प्लीटली माई थॉट प्रोसेस। जब कभी हम लोग शमशान जाते हैं या कभी किसी की सिचुएशन देखते हैं, कभी अस्पताल अगर जाएंगे, रिसेंटली पीजी हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था मैं, हमारे एक भक्त हैं उनके पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो जब भी हम लोग कभी अस्पताल जाते हैं, खास करके सरकारी अस्पताल, तो इस संसार का जो नंगा सच है वो देखने को मिलता है। लोग कितने दुखी हो सकते हैं, किस लेवल तक का दुख किसी के जीवन में आ सकता है, वो आपको हॉस्पिटल में जाके देखने को मिलता है। लंबी लंबी लाइनें, ओपीडी के टिकट काटने के लिए इतने लंबी लाइनें, अस्पताल में भर्ती होने के लिए इतनी लंबी लाइनें, स्ट्रगल पे स्ट्रगल, और उसके ऊपर कोई व्यक्ति ट्रॉली पे जा रहा है, कोई व्यक्ति उल्टी कर रहा है, किसी का शरीर जला हुआ है, किसी का कोई कुछ और चोट है, किसी को कुछ और चोट आई हुई है। तो ये जगत का स्वरूप क्या है, एक कृष्ण के भक्त को पता होना चाहिए। दिस वर्ल्ड इज अ कम्प्लीटली टेम्पररी प्लेस। कभी आप अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कभी ट्रेन में सफर करते हुए कभी किसी को देखा है कि वहां पे कोई अपना घर बनाता है, कोई करता है? हाँ भाई, हाँ थोड़ा घर बना, थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर रहा हूँ, लाइट वाइट लगा रहा हूँ अपना, थोड़ा हेलोजन बना रहा हूँ अपना, सब कुछ सब कुछ, लाइब्रेरी सेट करता है कोई? ट्रेन में होता है, लाइब्रेरी सेट करते हैं, लाइब्रेरी नहीं, कुछ कुछ जो लोग जो बिकते हैं, जो हक्का करते हैं, अपने बर्तन वर्तन सेट करते हैं, अपना यहाँ पे मेरा बर्तन का कॉर्नर होगा, यहाँ पे मेरा स्टडी रूम होगा, यहाँ पे मेरा किचन होगा, यहाँ पे ये होगा। कभी आपने ट्रेन में देखा ये सब करते हो? सबको पता है ट्रेन में हम कुछ चंद लम्हों के मेहमान हैं,
कुछ देर बाद हमारा डेस्टिनेशन आएगा, उतरना है मैक्सिमम एक दिन डेढ़ दिन बाद, लंबा डिस्टेंस हुआ तो दो दिन के बाद, ठीक है। तो ट्रेन में कोई घर नहीं बनाता है, लेकिन इस संसार के लोग इतने बड़े मूर्ख हैं, वही जीवात्मा जो कृष्ण की नित्य शाश्वत संतान है, वो इस जगत में हम क्या करते हैं, अपने आप को एक परमानेंट रेसिडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, बस एक NRI जैसे कोई US जाता है, US का परमानेंट रेसिडेंटशिप लेना चाहते हैं अब्रॉड जाके, भाई थोड़ा परमानेंट परमानेंसी। ऑफकोर्स आत्मा के अंदर वो भावना इसीलिए है क्योंकि वो सच्चित आनंद है, सत एस्पेक्ट उसके अंदर है, क्योंकि सत रिप्रेजेंट्स इटर्नैलिटी एस्पेक्ट। लेकिन गलत जगह घर बना रहे हो सर, विश्व रूप हमें ये दिखा रहा है कि दिस वर्ल्ड इज अ एवर चेंजिंग प्लेस। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी यहाँ पर अपना घर बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ऑफकोर्स कुछ समय बिताने के लिए हमें एक आवास चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर घर बनाने की बात ये नहीं कर रहा हूँ कि जो फिजिकल घर, यहाँ पर अपना जो इटर्नल एग्जिस्टेंस है। हम सोचते हैं कि जिंदगी भर हम लोग अपने नित्य शाश्वत समय तक यहीं पर रहने वाले हैं, ये भावना से हमें ऊपर उठना है। हम सबको पता होना चाहिए कि एक दिन हम सबका टिकट कटने वाला है, और उस टिकट काटने के पहले तक हमें अपने आप को रेडी करना है, ताकि हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए अपने आप को बेटर डेस्टिनेशन तक हम लोग अपने आप को भेज सकें। तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ये कर सकता है जो कृष्ण का भक्त होता है। जय जान कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, এই জগতে কোনোদিন কেউ বাড়ি বানানোর চেষ্টা করবে না, নিত্য শাশ্বত এখানেই থাকবো, জি না ইহা মর না ইহা জি ইসকে সিওয়া জানা কহাঁ, কবি ইয়ে নেই সোচনে ওয়ালে, কিউকি ইয়ে সব কুছ ঘন্টো কে লিয়ে হাম লোগ ইহাঁ পর হ্যায়, কুছ লম্হো কে লিয়ে, কুছ সালো কে লিয়ে জগত মে, আলটিমেটলি তো ইয়ে জগহ ছোড় কে জানি পড়েগি। তো নেক্সট ডেস্টিনেশন কে লিয়ে কবি কিসি নে সোচা হ্যায়? তো ভগবান ইস বিরাট রূপ মে দিখা রহে হ্যায় কি জগত পুরা কা পুরা বিনাশ হোনে ওয়ালা হ্যায়, সব কা সব মে খতম করনে ওয়ালা হুঁ। আজ আপ এক বিল্ডিং বানা রহে হো, कितने साल टिकने वाली है? 50 साल, 100 साल, 200 साल। अंग्रेजों की बिल्डिंग 200 साल, 300 साल टिक जाती थी, हमारी बिल्डिंग तो 50 साल में गिर के खत्म, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो कभी भी इस स्थान पर कभी भी परमानेंट रेसिडेंट बनने की कोशिश मत कीजिए, सब कुछ चला जाएगा यहाँ का, इसलिए यहाँ तक ये शरीर भी नहीं रहेगा। अस्पताल जाने के बाद पता चलता है कि शरीर जिसके प्रति हमारी इतनी आसक्ति है वो भी कितना कष्ट दे सकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा प्रिपेयर करते हैं, और भगवान कृष्ण हमेशा इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, हमें क्या क्या किस प्रकार से वापस लाने के लिए क्या क्या युक्तियां निकालते रहते हैं। कभी किसी महीने के रूप में आ जाते हैं, कभी किसी दिवस के रूप में आ जाते हैं, और हमें स्पेशल कृपा देने के लिए रेडी रहते हैं। पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये सब तिथियां जो है ये भक्तियों भक्ति पूर्ण तिथियां हैं, इसे भक्ति में एडवांस, भक्ति के रास्ते में एडवांस करने के लिए। लेकिन हम सब अगर इन सब तिथियों का अगर एडवांटेज ना ले, इन सब समय का अगर एडवांटेज ना ले, तो व्यर्थ ही पूरा जीवन निकल जाएगा। तो विराट रूप से हमें यह सीखना है कि भाई ये जगत टेम्पररी प्लेस है, इट इज नॉट अ परमानेंट रेसिडेंटशिप प्लेस। सबको टिकट काटना है, भाई यहाँ से निकलना है, ठीक है। और यस, तो 24 में तो अर्जुन यहाँ पर 25 अर्जुन यहाँ पर उनके मन में अभी ये भावना आ रही है, हे भगवान आप क्रोधित क्यों हैं, आप क्रोध में क्यों हैं, व्हाई यू आर सो एंग्री। अरे आप तो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। जनरली इस संसार में क्रोधित कौन कौन होता है? जब कोई बात ना सुने तब हम लोग क्रोधित हो जाते हैं, राइट। काम एशा क्रोध एशा रजोगुना समुद्भव महाशनो महापापमा विद्य एनम इह वैरिणम, ये सुना है आप लोगों ने ये श्लोक, राइट। तो काम एशा क्रोध एशा, मतलब जब काम संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध बन जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण आप क्यों क्रोधित हो रहे हो? आप तो जगन निवास हो, आप देव देव हो, आप देवों के देव हैं, आप तो अल्टीमेट कंट्रोलर है, आप जो बोलेंगे वही होगा, आपकी कोई ऐसी इच्छा है ही नहीं कि संसार में वो पूरी नहीं हो सकती। तो आपका तो गुस्से में आने का कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई तुक ही नहीं होता है। प्रसिद्ध देवेशा, आप देवेश हो, आप जग आप देवताओं के भी देव हैं, आप क्यों क्रोधित हो रहे हो? हे भगवान आप प्रसन्न होइए। जगन निवास, आप जगन निवास है, मतलब क्या? पूरा जगत आप ही में निवास करता है। अगर आप क्रोधित हो जाओगे तो पूरे जगत का क्या होगा? पूरे जगत के जीव आप पे ही शरणागति लेकर बैठे हुए हैं। आप क्रोधित हो जाएगा तो पूरे जगत प्रलय में, प्रलय की अग्नि में जल जाएगा। प्लीज बी मर्सीफुल, प्लीज बी प्लीज कूल डाउन। तो ये यहाँ तक 25 नंबर श्लोक तक हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके बाद अभी जो सेक्शन शुरू होगा नेक्स्ट 26 से 30, तो चूंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने 7वें नंबर श्लोक में बताया था तुम्हें फ्यूचर में क्या दिखने वाला है, सब दिखेगा इसमें। तो नेक्स्ट इसके बाद वाले सेक्शन में जो होने वाला है वो भी दिखेगा, ठीक है।
तो यस, तो बलदेव विद्याभूषण यहाँ पर कह रहे हैं दिस वर्ड यस, तो यहाँ पर जो इमोशंस चेंज हुआ, पहले विस्मय रस था, विस्मय रस से अभी भयानक रस में परिवर्तित चेंज हो गया, इट हैज चेंज इनटू फ्रॉम विस्मय रस टू द रस ऑफ फियर, ठीक है, तो दिस हैज नाउ दिस इज द चेंज, यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, ओके नेक्स्ट, तो इसके बाद कुछ उदाहरण आने वाले हैं कि पतंगों का उदाहरण, नदियों का उदाहरण आएगा कि मैं इस रूप में मैं कैसे देख रहा हूँ, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं या फिर परवाने क्षमा में विलीन हो जाते हैं, जल जाते हैं, वैसे ही मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी योद्धा लोग हैं आपके रूप में आकर जल जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, एनी डाउट्स? जी हरे कृष्णा प्रभु। यस मैम, प्रभु बोल रहे थे क्या, जैसे आप बता रहे थे एक बार कि पितृ पक्ष में पितृदान पिंड दान करना चाहिए, तो एक श्लोक में भगवत गीता श्लोक में वो श्लोक था ना कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, इसको पितृलोक की पूजा नहीं करना हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी करना है कि पितरों की संतुष्टि के लिए, पितृलोकों के लिए, कि आप हमें ये जो शरीर मिला है एक पितृ ऋण है, हमें पूर्वजों से शरीर मिला है, ये जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिला है, अगर पूर्वज लोग नहीं रहते तो हमें ये शरीर भी नहीं मिलता, तो चूंकि पितरों के प्रति एक दायित्व है, उसमें से एक दायित्व ये भी होता है पितरों का दायित्व, तो उनमें से एक दायित्व ये है कि उस ऋण को चुकाने का एक दायित्व ये होता है कि टू बिगेट अ प्रोजेनी, जब कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो पितृ ऋण को का वो क्या कर रहा होता है, एक तरह से चुका रहा होता है, जब कोई जनरेशन बढ़ा रहा है तो आगे जनरेशन बढ़ाना मतलब पितृ ऋण को भी एक तरह से ये करना कि जिसने हमें ये शरीर दिया उसी को फिर मैं जीनियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसे कहते हैं पितृ ऋण। ऑफ कोर्स ब्रह्मचारियों के लिए ये मायने नहीं रखता है क्योंकि देवर्षि भूतापत ऋणाम पितृणाम ना किं करो ना एम ऋणी चराजन, तो वहां पर ये श्लोक आते हैं देवर्षि भूतापत ऋणाम पितृणाम ना किं करो ना एम ऋणी चराजन, तो बेसिकली जो मुकुंद तमो मुकुंदरागरी निवेश, जो अगर कोई मुकुंद की सेवा करता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, तो उसके लिए देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण कुछ करने की कुछ किसी को चुकाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका एक क्लॉज है, चुकाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको चुकाना नहीं है, चुकाने की जरूरत नहीं है कि डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट, बट वी हैव टू डू आवर ड्यूटी। लोग इस श्लोक को लेकर मिसयूज करते हैं क्या, अरे भाई हम तो अभी भक्त हो गए, ये सब करने की जरूरत नहीं, छोड़ो ये सब, नहीं, कभी भी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किसी भी व्यक्ति के साथ ये नहीं किया जाता, इसका मतलब ये है डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दैट, अगर नहीं भी हुआ तो विचलित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, जैसे देवर्षि भूताप्त प्रणाम प्रणाम, मैं सिर्फ कृष्ण की शरणागति लेकर बैठा हूँ, मुझे और किसी के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कहाँ लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण कभी कहते हैं कि डोंट डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर योर सीनियर्स, कभी गुरुजनों को या फिर कभी वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा मत करो, या कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ कुछ करने की जरूरत नहीं, या फिर आपके समाज में भी जो जीवात्माएं हैं उनकी भी सेवा मत करो, देवताओं को देवताओं की, तो इसीलिए देवताओं की ये करना मतलब क्या, जब भी वी शुड बी ग्रेटफुल टू डेमी गॉड्स जो हमें सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं, अनग्रेटफुल नहीं रहना, इसका मतलब ये नहीं कि अरे कुछ किसी भी किसी के भी किसी को भी मानने की जरूरत नहीं, कृष्ण को मान लिया मतलब सब भाड़ में जाए बाकी लोग, नहीं, अनग्रेटफुल बिहेवियर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसीलिए कृष्ण भगवान स्वयं, आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, वहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या करवाते हैं, तर्पण करवाते हैं सारे पांडवों सारे कौरवों का, उनके लिए द्वारका के पास में एक पिंडारक क्षेत्र है, फिर यमुना नदी में लेके जाकर वो लोग यमुना नदी गंगा नदी में जाकर तर्पण करते हैं, जितने जो इतने सारे लोग मारे गए उनका तर्पण भगवान श्री कृष्ण स्वयं ले जाकर कर रहे हैं, तो हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी करना एक बात है, और सिर्फ वही करना और कृष्ण की भक्ति ना करना वो अलग बात है, तो भगवान कृष्ण यहाँ पर हमें एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, खास करके ये एक्सपेक्ट किया जाता है
for grihasthas they should do shraddha karma and their responsibility for their forefathers. Brahmachari ke liye exception hai, kyunki brahmachari guru ke ashram mein hai, guru ki seva kar raha hai. He does not need to do any shraddha karma and all. Of course Ram ne bhi kiya tha prabhu, bhagwan Ram ne bhi kriya mein kiya tha apne pitaji ke liye, dashrath ke liye, right? तो हम क्यों नहीं करें, ठीक है? सबको करना चाहिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, चाहे वो गोलोक वृंदावन भी चले गए क्यों ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है. चाहे वो उनको नया शरीर भी मिल गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें अपना कार्य करना है. नेक्स्ट शरीर में जहां पर भी है उनकी, उनके अच्छे डेस्टिनेशन के लिए, उनके अच्छे वेलबींग के लिए हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं. हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है क्योंकि हम कृतज्ञ हैं. भक्त बनना मतलब ग्रैटिट्यूड. We should be grateful. जिस जिस व्यक्ति ने हमारे लिए जो जो कार्य किया उसके लिए grateful रहना. हो सकता है कभी किसी के साथ खराब relation हो जाता है. प्रभु जी बोल रहे कि ये काम अगर किसी का डेथ सच्ची है कि 20-25 साल हो गया तो फिर हम पिंडदान कर सकते हैं? Yes, कर सकते हैं. थोड़ी तो अच्छा ठीक है. अच्छा प्रभु जी, जैसे हम लोग प्रदीप दिखाते हैं भगवान को, तो इस तरह क्या अपने माता पिता को दिखा सकते हैं? माता पिता को प्रदीप दिखाना कहाँ पे है तो मेरे को पता नहीं है. I don't know. ना ना हमी जिज्ञेस कुछ मेरे को प्रदीप देखा है देखना जाए कारण काउ काउ के हमी देखे थी जो उनके भोग दे दिया देखा. मैं कहानी बताता हूँ ठीक है. मैंने जो कहानी सुनी है, एक कहानी सुनी है, वो मैं बताता हूँ. वन एट अ टाइम आगे माता पिता क्लियर करिए तारपर तारपर अपना नहीं ठीक है. तो एक बार एक व्यक्ति जिनकी माता गुजर गई थी, तो वो स्वप्न में आकर, माता पिता दोनों आकर अपने अपने संतान के सामने आकर बोल रही है, स्वप्न में आके बोल रही कि भाई हम लोग अभी पितृलोक, मतलब वी आर इन ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट, तो बार बार हमें अगरबत्ती और दिया मत दिखाओ, क्योंकि जब तुम लोग अगरबत्ती और दिया दिखा रहे हो तो हम लोग को फिर से अपना पुराना अटैचमेंट याद करना पड़ रहा है. We are forced towards again कि चलो मैं यहाँ पर थी, मैं यहाँ पर ये था, मेरा ये relatives है. Let us move again, move further ahead. When you are showing diya to us, हम लोगों को disturbance हो रहा है उधर, ठीक है? हमें आगे बढ़ने दो, हम लोग अभी दूसरी जगह पे हैं. Don't bring us back to our older attachments. तो दिया दिखाना मतलब समझ में आ रहा है, जब कृष्ण को दिया दिखा रहे हैं, ये दिया दिखाना एक ऐसा procedure है, देख के लगेगा जैसे दिया दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या क्या हो रहा है हम लोगों को नहीं पता. जैसे अब जब जैसे हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं, कार्ड स्वाइप करने से पेमेंट हो जाता है, राइट? तो हम समझ में नहीं आता है कि चलो गंगा में जाके हम लोग पानी डाल रहे हैं, इससे क्या होगा, जिसको दे रहा है वहां पे पहुंच जाते हैं. गाय गौ माता को जाके हम लोग कुछ खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं या पितृपक्ष में कुछ खिलाते हैं, उससे इनको प्रसाद मिल जाता है, पितरों को मिल जाता है. ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, ब्राह्मणों के भोजन के द्वारा पितृलोक में पितरों को भोजन मिल जाता है. तो ये सब कैसी टेक्नोलॉजी काम करती है, वी डोंट नो. इसीलिए वेर एवर दे आर वी शुड प्रे फॉर देम, और वो दिया भी मत दिखाइए, ठीक है? बट विच आई फील, ठीक है, विच आई फील मे बी यू कैन टेक हेल्प ऑफ अदर सीनियर डिवोटीज. जो मैंने एक बार कहानी में सुना है, मंदिर में क्लास में मैंने सुना था किसी एक डिवोटी के मुख से, वो मैंने शेयर किया, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी. जस्ट वन सेकंड, कावेरी माता, यस पूनम माता जी, कावेरी माता जी का प्रश्न था, वो क्यों में है. कावेरी माता जी अनम्यूट कर लीजिए, अगर आपका प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो पूनम माता जी से प्रश्न कर. कावेरी माता जी अपना किछु डाउट छिलो? ओके पूनम माता जी, यस पूछिए आप. हरे कृष्ण प्रभु. हम भी कोई लेक्चर में सुने थे प्रभु जी कि पितृलोक को माने डेली जैसे दीप दिखाना ये सब नहीं करना चाहिए, वो हम बंधन में बांध देते हैं, मतलब उनको मुक्त नहीं हो पाते हैं. वैसे पितृ मतलब मेरे ख्याल से वो कंफ्यूजन आ रहा है फिर. हाँ ओके बेसिकली और जैसे कि साईं बाबा लोग को भी जैसे बहुत लोग पूजा करते हैं, उसमें भी बोलते हैं कि उनको भी करने से पितृलोक ही मिलता है. साईं बाबा कौन से देवता हैं? ये तो देवता नहीं है ना प्रभु, वो तो आप बताइए कौन से अवतार हैं. अवतार मालूम नहीं प्रभु जी. जब मालूम नहीं है तो फिर पूजा करना है? नहीं मुझे प्रभु जी एक कथा जिज्ञेस करबो. यस माता जी. मैं कहीं सुनी हूं प्रभु जी की मतलब कोई लेक्चर में दिया था कि उनका भी पूजा करने से वो भी
मतलब उनका दफनाया हुआ है या जो है तो वो पितृलोक में ही जाते हैं तो उनका भी पूजा नहीं करना चाहिए। देखिए 17वां अध्याय जब आप पढ़ेंगी तब डिस्क्रिप्शन आएगा, वर्शिप इन द मूड ऑफ गुडनेस पैशन एंड इग्नोरेंस। तमोगुणी वर्शिप क्या है, रजोगुणी वर्शिप क्या है और सत्वगुणी वर्शिप क्या है। तो कुछ लोगों को क्या करते हैं हम लोग, कुछ लोग संत महात्मा लोग हो सकते हैं लेकिन संत महात्मा लोगों को भगवान बनाना जब शास्त्र सम्मत नहीं है वो, तो ऐसी पूजा कौन सी कैटेगरी में आएगी बताइए, जब शास्त्र में लिखा ही नहीं है। तमोगुणी तो राइट, तो बेसिकली क्या है प्रभुजी, पहले लोके रामकृष्ण परमहंस देव को पूजो करे। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखिए संत महात्मा को संत महात्मा की तरह ट्रीट करना और संत महात्माओं और दूसरी तरफ है भगवान के अवतारों का, जब आप शास्त्र को बेसिस रख के आप जब कुछ वर्शिप करते हो तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत सारे सेंट्स लोग आते हैं लेकिन कभी कभार सेंट्स को भी परखना जरूरी है क्योंकि कलयुग इज अ प्लेस वेयर बोगस पीपल विल ऑल्सो कम, ठीक है। तो आपको भी परखना है कि सच में कोई संत है, क्योंकि संत का कर्तव्य क्या है, संत हमेशा भगवान कृष्ण की ओर या रामचंद्र की ओर या विष्णु की ओर हमें अग्रसर करेंगे। लेकिन आजकल क्या होता है, फॉलोअर्स लोग प्रॉब्लम बहुत सिचुएशन ऐसी होती है कि संत लोग या जो भी लोग आते हैं वो लोग अपने आप को भगवान नहीं डिक्लेयर करते। पहला चीज वो लोग स्वयं भगवान की ओर अग्रसर नहीं करते, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे संत तुकाराम हुए, उन्होंने हमेशा क्या बोला, राम कृष्ण। पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए फर्स्ट, ठीक है, मैं जब बोल रहा हूँ तो पहले मुझे बोलने दीजिए फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। जैसे संत तुकाराम हुए, तुकाराम क्या किए, कृष्ण राम और हरि इनका नाम करते रहे, खुद भी भक्त थे और लोगों को भी भक्ति में एंगेज किया। लेकिन आजकल जो हम लोग देखते हैं, अभी भी देखते हैं, ऐसे लोग आते हैं ना तो मुख से भगवान का नाम निकलता है ना गीता के एक श्लोक निकलते हैं, और उनको हम लोग क्या करते हैं, भगवान हटा के उन्हीं को अपने ऑल्टर पे बैठा के बैठे हुए, कोई पूरा का पूरा मंदिर खाली बैठा हुआ है, सिर्फ उनकी फोटो है। क्या वो भगवान है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? और अगर भगवान है, विराट रूप कहाँ है, विश्व रूप कहाँ दिखाया उन्होंने, ठीक। और अगर सच में भगवान होते तो वो कृष्ण का कुछ संदेश देकर जा चुके होते हैं, क्योंकि दिखने में अपेरेंटली क्या होता है, सिमिलर इंस्ट्रक्शंस वो भी देते हैं, चलो ये है वो है गुडनेस वाले कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर सच में वैसे चीज है तो भगवान के प्रति भक्ति का हृदय में उजागरपन होगा, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगे नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे हमने बताया, उनके मंदिर उनके फॉलोअर्स के बाद बने, फॉलोअर ने उनको भगवान बना दिया, कभी कभार उन लोगों ने अपने आप को भगवान नहीं बताया लेकिन उनके फॉलोअर लोग हाँ अभी भगवान, बस वो सबसे सत्यानाश वो लोग करके गए, ठीक है। तो ऐसे लोग तो मेरे को तो आई डोंट थिंक कि आप ऐसे वो आप जो बता रहे हैं अगरबत्ती दिखाने से पितृ लोग, कोई लोग ही नहीं मिलेगा, नो लोग, क्योंकि कुछ पहला तो ऐसे लोग ही बोगस हैं कुछ कुछ, दूसरे अगर ऐसे कर भी रहे हैं देर विल बी नो रिजल्ट्स बिकॉज दे आर नॉट बोनाफाइड बट देर वर्शिप विल डू, दिस इज कंप्लीटली मोड ऑफ इग्नोरेंस वर्शिप, तमोगुणी वर्शिप है। जैसे कोई भूत पिशाच की अघोरी पूजा, ठीक है, अघोरी लोग होते हैं तो ऐसा तमोगुणी पूजा है, लेकिन तमोगुणी से भी गिरी हुई पूजा है ये सब, क्यों, क्योंकि इनका इनका डेस्टिनेशन ही पता नहीं कहाँ जाएंगे ये लोग, पूरा जिंदगी भर उन्होंने वर्शिप किया, कंप्लीटली यूजलेस, ठीक है। तो ये अब प्रश्न पूछ सकते हैं, एक एक करके प्रश्न पूछे, मोलिना माता जी पूछ रही थी, रीता माता जी का कोई डाउट है, नाउ यू कैन आस्क, कोई डाउट है, कावेरी माता जी बोलू, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, कावेरी माता, আমি বলছি যাদের গয়া পিণ্ডদান হয়ে গেছে তাদের কি ওই ওই সময়টা পিণ্ডদান দিতে হয়, কোন সময়টা, পিতৃপক্ষে পিণ্ডদান হয়ে গেছে গয়া পিণ্ডদান হয়ে গেছে পিতৃপক্ষেও দিতে পারেন, পিতৃপক্ষ এক্সক্লুসিভলি, মান লিজিয়ে কবি কিসি কা শ্রাদ্ধ হো গয়া, কবি কবার হাম লোগ পিণ্ডদান হয়ে গেছে গয়াতে দাও হয়ে গেছে, বার বার করা যেতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন করতে পারেন, ঠিক আছে, আচ্ছা। আর একটা কথা প্রভুজি, মেয়েদেরটাও কি করা যায়, মেয়েটাও কি বাবা করে না, জেনারেলি না না, বাবা মেয়ে বাবা কি মেয়েটা করতে পারে, মেয়েরা করে না, হাজবেন্ড করবে, ঠিক আছে, বলছি তো তাই, আমার আমার হাজবেন্ড আমার মেয়েটা করতে পারবে, আপনি গয়া গেছেন কোনোদিন, बेटी के लिए ना, बेसिकली
जब आप गया जाएंगी पिंडदान जब होता है तो वहां पर सबका नाम लिया जाता है कि आपके कौन कौन रिलेटिव हैं जो जब एक्सपायर किए हैं और किसका किसका नाम याद है किसका किसका नाम नहीं याद है सबका नाम लिया जाता है। तो वहां पर देर आर सो मेनी रिलेटिव्स नेम, भाई भाई का बेटा, भाई का ये वो सबका नाम आता है, तो वाई नॉट विद इवन देयर डॉटर्स ऑल्सो, ठीक है। बट इट शुड बी डन विद हस्बैंड वाइफ टुगेदर। जनरली मैंने देखा है कि जैसे मेरे माता पिता भी गए थे तो माता पिता दोनों बैठकर माता के डायनेस्टी से और पिताजी के डायनेस्टी से, पिताजी के माँ की डायनेस्टी से पिताजी के पिताजी के डायनेस्टी से, इस तरह से बहुत सारे डायनेस्टी दो तीन जनरेशन तक का नाम लेते हैं वो लोग, ठीक है। और उसमें कोलैटरल वाला भी है, भाई भाई के भाई, भाई के बेटे कोई अगर चले गए हैं वो लोग पूछते हैं कि ऐसा कोई है उनके लिए प्रिंट करो ये करो, बहुत सारे दिए जाते हैं, तिल तिल का दाना होता है, बहुत कुछ दिया जाता है। Why not with daughter souls? ठीक है, तो कुर्ते बारे में मत ठीक है, तो ठीक है, कोई गया जाएंगे तो पता चलेगा ना, आजकल कोई जाता ही नहीं है तो पता ही नहीं है सब चीज। আমি গেছিলাম প্রভুজি, অদ্ভুত ফিলিং। আমি অবশ্য এমনি ফল্গু নদী দেখতে গেছিলাম, তারপর আমি গয়া পিণ্ডদান যেখানে বিষ্ণু পদচিহ্ন আমি দেখে এসেছি, আমার অদ্ভুত একটা ফিলিং এসেছে, মানে ওটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না যে কি ফিলিংটা। প্রভুজি আমরা যে দীপদান করি না তো মাটির প্রদীপটা জ্বালাই এই সময়, কিন্তু বাড়িতে আমাদের যে পেতলের প্রদীপ রয়েছে ওইটাতে কি দীপদান করতে পারি? দীপদান যে কোনো দীপে করতে পারেন, আমার তো কোনো মনে হয় না কিছু প্রবলেম আছে, ঠিক আছে, যে কোনো দীপ থাকলে করতে পারেন, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। ওকে বিক্রমপুর, छोटा सा प्रश्न आया था, जैसे घर में हम लोग भगवान के आगे अगरबत्ती दिखाते हैं तो दादाजी के फोटो के आगे भी अगरबत्ती दिखा देते हैं इन द सीक्वेंस चाहते हुए, तो क्या ये सही है, प्रमाणिक है या नहीं करना चाहिए? माँ के फोटो के सामने नहीं, दादाजी दादी जो गुजरे की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती भी नहीं दिखाना चाहिए? नहीं, मैंने वो कहानी मैंने बताई ना, वो मैंने सुना है, वो बता रहा हूं, वो आप याद कर रहे हैं, दे आल्सो बिकम डिस्टर्ब। ओके, एंड ड्यूरिंग दैट ड्यूरिंग द पितृमास वी कैन ऑफर ना, इनफैक्ट क्या कर सकते हैं, भगवान के चरणों के फूल उनके पास में दे सकते हैं, भगवान के चरणों से फूल उनको दिया, प्रसाद दिया, ठीक है। इनफैक्ट विष्णु जब आप गया जाते हो, जब गया जाते हो तो गया जाने के बाद क्या होता है, विष्णु का प्रसाद ही दिया जा रहा होता है। तो इस संसार में विष्णु की ही भक्ति करने, सोचिए कुछ लोग इतने डफर होते हैं, बोलते विष्णु ओसब कर ले की हवे जे जेरकम जाके जे भक्ति कर ले हलो, मरने के बाद मरने के बॉडी बॉडी के ऊपर दो रुपए की गीता रखते हो आप, जिंदगी भर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने में एक इतना हिचकिचाहट है, मरने के बाद तो उसी कृष्ण का नाम लेकर आप शमशान घाट में जा रहे हो। व्हाट इज अ प्रॉब्लम विद यू? पूरा श्राद्ध क्रम विष्णु का ही होता है, पूरा श्राद्ध क्रम जो होता है कृष्ण और विष्णु के प्रसाद से किसी भी जीव की गति नहीं होती है। गंगा में जाके कोई भी पवित्र नदी, क्योंकि विष्णु पदी है, विष्णु से निकली है, विष्णु के चरणों से निकली है, वो उद्धार करती है, नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने के लिए वो ये करती है। लेकिन हम लोग सोचते हैं जार जेटा कोल्ले जाके पूजो कोल्ली तो हो रो, वट काइंड ऑफ मतलब फुलिश अंडरस्टैंडिंग इज दिस, वी आर सो मतलब कलयुग के जीव इतने मूर्ख हैं, इतने गिरे हुए हैं, हम लोग शास्त्र बता रहा है और हम लोग इधर उधर घंटा मार रहे हैं, इधर उधर गली में जाके इधर जाके उधर जाके घंटा मार रहे हैं, तुम्हारे सामने सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है सच और आप लांठेन जगा के बैठे हो, पर्दा लगा के बैठे हो, सूरज की रोशनी नहीं आनी चाहिए, मैं लांठेन से ही खुश हूँ भाई, तुम्हारे तुम खुद अंधेरे में रहना चाहते हो तो रहो भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक। दिस इज द प्रॉब्लम। मरने के बाद अगर कोई सच में क्रियाकलाप देखेगा ना, विश्वास हो जाएगा कि भाई विष्णु का नाम ले रहा है, जो पंडित आके विष्णु का नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, भगवद गीता के श्लोक पढ़ रहा है, सबसे में पिंडदान भी होता है, विष्णु के ही प्रसाद का सबको भक्षण कराया जाता है, गया में जाके विष्णु के चरणों चिन्हों पे ही रख के आप तीन भाग में डिवाइड करके तीन, एक अक्षयवट पे, एक गौ माता पे और एक पितरों को दान करना पड़ता है, तो ये सब चीज देखेंगे तो खुद विश्वास क्यों नहीं होगा। लेकिन हम लोग पता ही नहीं कुछ, कलयुग के स्पेशल हाई क्वालिफाइड जीव है हम, ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए जो भी करिए भगवान की भक्ति करिए, लेकिन कभी कभार हम लोग कुछ ज्यादा फोकस भी करने लग जाते हैं, अरे ये करना है वो करना है, डू द नीडफुल। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि डू द नीडफुल, इतने सारे लोग मारे गए, डू द नीडफुल, तर्पण कर लिया उसके बाद भक्ति करो। युधिष्ठिर महाराज और पांडव लोग अपने काम में व्यस्त थे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, लेकिन एज अ गृहस्थ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आवर ड्यूटी
टू डू ऑल दीज थिंग्स। मेरा बोलने का पर्पस ये है, उसमें ज्यादा घुस मत जाइए, उससे एक लेवल है घुसना, घुस के फिर निकल के भी आना, ठीक है। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। প্রভুজি বলছিলেন কি যে ওই গঙ্গাতে না যখন তর্পণ করতে যাওয়া হয় প্রচন্ড ভিড় হয়, তো ওই জন্য মানে ঠিক মতো আদৌ তর্পণ হয় না, তাহলে কি তর্পণ বাড়ি থেকেও করা যায়? বাড়ি থেকে তর্পণ মাতাজি বেসিক্যালি কি এগুলো পণ্ডিতরা বলে, আমরা তর্পণ যেটুকু দেখেছি গঙ্গা জল নিয়ে, গঙ্গাতে দাঁড়িয়ে গঙ্গা জল নিয়ে করতে হয়, কিন্তু গঙ্গাতে গঙ্গাতে বাবুঘাটে ওখানে তো অত আর ভিড় থাকে, স্পেশাল টাইমে গেলে ভিড় থাকবে, নরমাল টাইমে তো কোথায় ভিড়, একাদশীর দিন মানে তর্পণের দিন আর কি, তর্পণের দিন মানে মহালয়ার দিন ভোরবেলা, মহালয়ার দিন হয়, মহালয়ার দিন থাকে, কিন্তু শাস্ত্রের বিধান এটাই আছে গঙ্গা জল দিয়ে করতে হবে, ঠিক আছে, গঙ্গাতে দাঁড়িয়ে আপনি বটল জল দিয়ে করবেন হবে বলুন, শাস্ত্রে যেটা আছে ওটাই করতে হবে না? আচ্ছা, আর প্রভুজি পিণ্ডদান করে যা হয়ে করা হয়ে যাবার পরেও কি তর্পণ করে যেতে হবে? তর্পণ করতে কোনো অসুবিধা নেই, गंगा में जाके आप तर्पण जब करते हैं उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप देखेंगे अगर कोई भीष्म पंचक करता है, भीष्म पंचक व्रत किसी ने किया है, 5 दिन जो कार्तिक महीने में स्पेशल तिथि आती है, हर दिन गंगा में स्नान, ये सब कुछ कुछ नीति नियम है, नदी में जाके स्नान करना, तो भीष्म पितामह के लिए तर्पण किया जाता है, क्योंकि भीष्म पितामह की कोई संतान नहीं थी, तो जो भीष्म पंचक कर रहे होते हैं भीष्म पितामह के लिए तर्पण कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ अपने पूर्व पुरुषों के लिए, गुरु परंपरा के लिए, सबके लिए तर्पण कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खास करके हम लोग जो भी भीष्म पंचक करते हैं तो भीष्म पितामह के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, ठीक है, तो कोई किसी के फॉर्म में भी कर सकता है। ओके, तो आइडियली आजकल प्रॉब्लम ये है, जब सबसे प्रॉब्लम है जो प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, ना तो ब्राह्मण है प्योर, ना हमें कोई बताने वाला है ये सब चीज़, तो ऐसे ही विलुप्त हो गई ये सारी चीजें, और समाज में ब्राह्मण इतने क्या बोलते हैं पाखंडी या फिर जो टीचिंग्स है उनके टीचिंग्स को वो खुद से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें सिखाने वाला ही कोई नहीं है तो कैसे करेगा, हमें पता ही नहीं है सब चीजें, तो देर इज अ बिग गैप। इवन आप ये भी देखेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी, उन्होंने सारार्थ दीपिका, ये सारार्थ दीपिका, उन्होंने ये दीपिका बोल के उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें जितने भी कर्म हैं, जो भी जनरली हम लोग नीति नियम करते हैं, जैसे अन्नप्राशन हुआ, विवाह हुआ, ये सब जो जो भी ये जो 16 ये है ना संस्कार हैं, उसमें से अंतिम संस्कार को ज्यादा फोकस नहीं किया उन्होंने, ज्यादा फोकस किया है दीक्षा संस्कार को, विवाह संस्कार को, या फिर अन्नप्राशन को, क्योंकि जब जिंदा हैं हम लोग तब मेनली फोकस ज्यादा उन्होंने किया उसको, और अंतिम संस्कार जनरली जो लोकल पांडा है, पुरोहित है, एटलीस्ट उनका हेल्प लेके ही भगवान पे फेथ रख के कि चलो मैं अपना रिस्पांसिबिलिटी कर रहा हूँ, ये पंडा भी ठीक से कर रहा है कि नहीं, लेकिन मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, एटलीस्ट उतना तो काम आ जाए, ठीक है, उतना कीजिए, लेकिन ज्यादा दिमाग भी उधर घुस गया ना तो फिर आपका भक्ति चौपट हो जाए। वी हैव टू डू द नीडफुल, ये एक बैलेंस होता है, बैलेंसिंग, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, वी हैव टू डू द नीडफुल, जितना हो सके इसको, अगर मैं बैलेंस करना है सॉरी अगर बैलेंस करना है तो कभी पलड़ा इधर होगा, कभी इधर भारी होगा, इधर भारी होगा, तो हमें बैलेंस मतलब क्या, एकदम एक जगह पे बैलेंस करना है, तो कभी किसी भी चीज पे ज्यादा कुछ दिमाग में यही चलने लगे, अरे ये हो गया नहीं, जितना हो सकता है उतना करना, गया एक बार जाना चाहिए, एवरीवन शुड गो, विष्णुपाद के दर्शन करके आइए, सब कुछ सबको एटलीस्ट, ये सब तो धाम है हमारे लिए, तो अपना कार्य करना है, और जब कम महालया आएगी या फिर ये आएगा तो एटलीस्ट जो भी नीडफुल है वो कीजिए, उस पर ज्यादा दिमाग ज्यादा उसमें मत घुस जाइए, वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक, भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर, एंड मोस्टली मैं एक चीज बताता हूँ, अगर कोई शुद्ध नाम करता है, इफ समवन इज टेकिंग प्योरली 100% फुल फेथफुल कृष्णास होली नेम, अगर कोई 100% भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक पुकार रहा है जिसमें कोई भी अपराध नहीं है, अगर कोई इस प्रकार से नाम जप करता है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर, बट ऑफकोर्स कृष्णा हैज जस्ट फॉर मेंटेनिंग अ रोल इन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, नाम मात्र के लिए अपना कार्य करना, कि मैंने अपने पितरों के लिए कार्य किया है, नेक्स्ट फिर आगे चल रही जनरेशन, मेरे बेटे आगे चल के वो लोग कार्य करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर बीइंग अ रोल मॉडल वी हैव टू डू, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है
प्रभु जी मैंने सुनी कि खुद का पिंडदान कर किया जाता है जीवित अवस्था में, ये क्या है प्रभु जी? जीवित अवस्था में किसका पिंडदान होता है? नहीं, खुद का, मैंने अपना ही पिंड, खुद ही खुद का पिंड मरने से पहले ही दे देते हैं। আমি শুনি নি অত বাত জিগো, ঠিক আছে, জানি না প্রভুজি। ওটা যাদের সন্তান নেই তারা করে, নিঃসন্তান যারা, ওকে, হতে পারে না, সন্তান আছে এমনও মানুষ আমি দেখেছি নিজের জীবিত অবস্থাতেই নিজের পিণ্ড দিয়ে রেখে, মানে দিয়ে রাখে গয়া, এটা হয়। আই মুঝে আইডিয়া নেই, আপনি আমার ছেলে মেয়ে করবে না, ওটা করবে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। इससे आपकी भक्ति को कोई इफेक्ट पड़ेगा? हां প্রভুজি, এটা এটা জেনে আমাদের কোনো ভক্তিতে এফেক্ট পড়বে? আমি এটা বলতে চাইছি, আমাদের মালা জপ করতেই হবে, বলতে পারবো না কিন্তু এটা শুনছি, হ্যাঁ ভক্তি করতেই হবে, বরং আমাদের ফোকাস কি থাকা উচিত? একাদশী দিন কত মালা জপ করলেন, হ্যাঁ, বা পুরুষোত্তম মাসে কত মালা জপ করলেন, হ্যাঁ, মাথা ওটাই বললাম, কলিযুগের মানুষ মানে কি নীতি নিয়মে বেশি মরনে কে বাদ লোক ক্যা হোগা ও সোচনে সে বড়িয়া হ্যা কি পহলে আপ মালা পে ধ্যান দে শাস্ত্রো পে পড়ে ক্যা হোগা উস পে হম হো সকতা হ্যা লিবারেট হো জায়ে এই সব করনে কা জরুরত নাহি হ্যা কর্ম কাণ্ড মে यस তো নিয়ম আগ্রহ পে জ্যাদা হম লোগ ফোকাস করতে হ্যা ইয়া তো নিয়ম আগ্রহ করেঙ্গে ইয়া ফির নিয়ম আগ্রহ করেঙ্গে বহুত জ্যাদা হম লোগ নিয়ম মে ফাস জায়েঙ্গে নাহি তো একদম হি নাহি করেঙ্গে বীচ মে ওয়ালা বীচ ওয়ালা ফলো নাহি করতে হম লোগ ব্যালেন্সিং নট গোইং ইনটু এক্সট্রিম ঠিক হ্যা তো দ্যাট ইজ ওকে हरे कृष्णा। तो वी हैव टू डू अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट साइमल्टेनियसली अगर कोई शुद्ध नाम जप कर रहा है तो फोकस यही होना चाहिए कि मैं आई शुड बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, देन देयर इज नो नीड, देन देयर इज नो नीड। ठीक, तो अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध नाम कर रहा है देन ऑल दीज आर एक्सटर्नल्स एंड कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर। बट साइमल्टेनियसली जब तक मैं जिंदा हूँ तब मुझे अपना कार्य भी करना है। कृष्ण के नाम पे मैं धोखाधड़ी कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं माला जब ठीक से कर रहा हूँ, ना मैं ये काम कर रहा हूँ, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर फॉर हाउस होल्डर्स। और देखिए इसीलिए सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, इनों को रिहाई है बहुत सारी चीजों में, लेकिन गृहस्थों को रिहाई नहीं है। देयर इज नो कंसेशन फॉर गृहस्थस बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ प्लेस वेयर देयर इज एंजॉयमेंट, तो दे हैव टू डू सम सैक्रिफाइस। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे विराम देते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, विराम प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। भगवान पिता की जय, जय गोविंद गोस्वामी की जय, गौर प्रेमानंद की जय।